हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और पब्लिक की भारी डिमांड पर टुडे वी विल बी स्टार्टिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, चैट में, यूट्यूब में, कमेंट्स में हम पढ़ रहे थे कि सर फटाफट परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, ये वाले टॉपिक स्टार्ट करो। तो उनमें से आज हम एक चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, इसका हम आज रिविजन करेंगे, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और जैसा आप लोग जानते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे एक क्वेश्चन जो है एक्सक्लूसिवली आता है। और ये चैप्टर हम जो नेक्स्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको समझने के लिए, उसके क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनफैक्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन भी प्रोबेबिलिटी में इस चैप्टर से होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एवरीवन ऑफ यू आई थिंक नोज दैट हम बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली एक एक करके काउंट नहीं कर सकते। तो उस प्रोसेस को शॉर्टन करने के लिए, फास्ट करने के लिए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ले लेकर हम इस थ्योरी तक पहुँचे। बहुत पहले की बात से जो है लोगों ने काम किया, एंड देन दे रीच टू अ कंक्लूजन। तो हम वो कंक्लूजन पढ़ते हैं, द कंक्लूजन व्हाट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेज। उसमें जो फर्स्ट वी आर स्टडिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इट सेज दैट इफ एन इवेंट कैन अकर इन m वेज, किसी भी एक इवेंट को प्रोसेस करने के या उसके होने के टोटल m डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेट से हमने एक फेयर डाई को रोल किया। तो अगर हम एक फेयर डाई को रोल करते हैं तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, फेयर डाइज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच, ना व्हाट हैपेंस। देखो पीएनसी में सबसे पहले मैं एकदम बेसिक चीज आपको समझा दूं, क्वेश्चन जब पीएनसी का आए तो बेटा उसको ना हमें अपने पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि अगर वो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो या आप उस एक्सपेरिमेंट की जगह होते, तो अगर हमें कॉइन टॉस करना होता या हमें डाई रोल करनी होती या हमें बॉक्स में से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो थोड़ा आसान होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होना कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हम कई बार सोच नहीं पाते कि किस पॉइंट से करें। जैसे कई बार आता है कि अ पर्सन चार लेटर्स लेके जा रहा है, डिफरेंट लेटर्स, और जब वो उनको पोस्ट करने जा रहा है तो देयर आर 3 डिफरेंट लेटर बॉक्सेस। तो वो लेटर्स को उन लेटर बॉक्सेस में कितने तरीके से पोस्ट कर सकता है, इन हाउ मेनी वेज द 4 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 डिफरेंट लेटर बॉक्सेस, इफ ईच लेटर कैन गो इन एनी लेटर बॉक्स, या कोई भी लेटर बॉक्स कितने भी जो है एकोमोडेट कर सकता है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, सर 3 की पावर 4 होगा या 4 की पावर 3 होगा या 4 × 3 × 2 होगा, ये कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को रहता है। तो हमेशा सोचो, जैसे मैंने बोला, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं, 4 लेटर्स को एक साथ लेकर जा रहे हैं, 4 अलग अलग लेटर्स हैं और सामने 3 लेटर बॉक्स है, box 1, box 2, box 3। सो थॉट किसके पास है, पोस्ट कौन करेगा, हम पोस्ट करेंगे, हम भाई एज अ इंसान लेटर बॉक्स तो नहीं ना सोचेगा, हम सोचेंगे ना कि हमें लेटर्स को पोस्ट करना है। तो फर्स्ट लेटर को पोस्ट करना जरूरी है। फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, box 1, box 2, box 3, किसी भी एक में डाल दो। मान लो box 1 में डाल दिया, तो फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के 3 हमारे पास ऑप्शन थे। लेटर 2 को पोस्ट करने के भी 3 ही ऑप्शन है। भाई फर्स्ट लेटर बॉक्स में अगर हमने लेटर 1 डाला तो वो भर नहीं गया है, ऐसा नहीं मानते कि भर जाएगा। तो हम लेटर 2 को भी डालने के 3 ऑप्शन है, 3rd के भी 3 ऑप्शन और 4th के भी 3। तो 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा। तो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गलत नहीं होगा। तो व्हेन एन इवेंट कैन अकर इन m वेज, और अभी वो इवेंट फिनिश नहीं हुआ, बेसिकली जो क्वेश्चन में प्रोसेस है वो फिनिश नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो जब एक इवेंट के बाद अगला इवेंट कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, तो फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस, उन दोनों इवेंट्स के साइमल्टेनियसली अकर करने के टोटल कितने वेज हैं, m × n। और इसको हम कितने भी इवेंट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, कि मान लीजिए इसके बाद एक अगला इवेंट को पी तरीके से होता है, उसके बाद एक अगला इवेंट आर तरीके से होता है, तो साइमल्टेनियस अकरेंस m × n × p × r, इतने तरीके से वो हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देन देर इज ऑल्सो अ रूल ऑफ एडिशन, एंड द रूल ऑफ एडिशन सेज इफ एन इवेंट कैन अकर इन m वेज, है ना, एक इवेंट m वेज से हो रहा है, अब ये खत्म हो गया,
ठीक है, एंड अनदर इवेंट अकर्स इन एन वेज, एक इवेंट एम तरीके से, एक इवेंट एन तरीके से होता है, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट कैन हैपन, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज, एम प्लस एन. अब साइमल्टेनियस अकरेंस नहीं है, दोनों में से किसी एक के होने के कितने तरीके हैं, एम प्लस एन. तो तब हम जब बेसिकली हम और बोलते हैं तब एडिशन करते हैं, और जब हम एंड बोलते हैं दिस एंड दिस एंड दिस तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस है मल्टीप्लीकेशन रूल और एडिशन रूल के अंदर, ठीक है. तो हम इस पे बेस्ड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम ट्राई करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, बिटवीन सबसे पहले वर्ड को अंडरलाइन कर लें, बिटवीन का मतलब है 10 को भी इंक्लूड नहीं करना और 10,000 को भी इंक्लूड नहीं करना, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स का यूज करके, नो डिजिट्स इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है. तो बेटा जब हम 10 से 10,000 तक जाएंगे तो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, फोर डिजिट, ठीक है ना, 10,000 इज अ 5 डिजिट नंबर, उसके छोटा, तो ये सारे नंबर्स आएंगे. तो 2 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे, तो 2 डिजिट नंबर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव टू फिल, 2 प्लेसेस. सबसे अच्छी बात है कि इन गिवन नंबर्स में जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होता सो वी हैव टू थिंक दैट वो जीरो को हम इस टेंस प्लेस पे नहीं रख सकते हैं. अभी के लिए आउट ऑफ 5 नंबर्स, अब मैं नंबर्स प्लेस कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में 5 नंबर्स है अलग अलग, अब इस प्लेस को फिल करना है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई सा भी एक नंबर रख दूंगा. तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के आई हैव 5 ऑप्शंस, एंड नाउ दिस इज अ साइमल्टेनियस अकरेंस. अभी इवेंट फिनिश नहीं हुआ, प्रोसेस फिनिश होगा जब मैं दोनों नंबर्स भरूंगा, तो एंड आई हैड आल्सो हैव टू फिल द नेक्स्ट प्लेस. नाउ बिकॉज डिजिट कांट बी रिपीटेड, तो जो नंबर यहां रख दिया वो खत्म हो गया, अब मेरे हाथ में 4 ऑप्शन रह गए, तो 5 × 4, तो 2 डिजिट के टोटल 20 नंबर्स बनेंगे. ऐसे ही हम आगे कर लेते हैं, 3 डिजिट के कितने बनेंगे बेटा, 3 प्लेसेस भरनी है, पहली प्लेस को फिल करने के 5 ऑप्शंस, अगले के लिए 4 ऑप्शन, अगले के लिए 3 ऑप्शन, करेक्ट है. 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, एंड देन देयर विल बी 4 डिजिट नंबर्स. सो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विल बी देयर, 1, 2, 3, 4 प्लेसेस वी हैव टू फिल. फर्स्ट प्लेस वी हैव 5 ऑप्शंस, then for the next place we have 4 options, then we have 3 options and then we have 2 options. एक नंबर बचेगा तो बचेगा ही ना भाई, जब 4 places भरनी है और total 5 नंबर है तो एक नंबर तो बच ही जाएगा. तो 5, 4 = 62 = basically 120 and 20, so 200 numbers can be formed between 10 and 10,000 and no digit is repeated, ठीक है ना. अच्छा अब इसी का थोड़ा सा extension change कर देते हैं हम, मान लीजिए हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 10,000 यूजिंग द सेम डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, पर अब रिपीटेशन अलाउड है. रिपीटेशन मतलब जो नंबर हमने एक बार रख दिया वो दोबारा भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता. तो इसमें भी अपन वही 3 केस बनाएंगे. सबसे पहले अपन बनाएंगे 2 डिजिट के नंबर्स, तो 2 डिजिट के नंबर्स के लिए पहले 0 इधर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. पहली प्लेस के लिए 5 ऑप्शन. अब जो हमने नंबर पहले रख दिया वो फिनिश तो हुआ नहीं, उसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, 22 भी बन सकता है, 55 भी बन सकता है. सो फॉर द नेक्स्ट प्लेस अगेन आई हैव 5 ऑप्शंस, तो हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर, 25. नाउ 3 डिजिट के लिए कितने होंगे बेटा, 5 × 5 × 5, आई होप अब आपको क्लियर हो गया है, 5³ = 125. एंड 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, 5⁴, दैट इज 625. सो टोटल नंबर्स विल बी 15, 2, 2 × 4, 6, 7 and 7, 775 total numbers will be formed if repetition is allowed, ठीक है. So this is a basic difference, repetition है या नहीं है, तो ऐसे questions आते हैं तो उसके according हमें proceed करना है. आगे चलते हैं, ये हो गया बेटा किसकी बात, fundamental principle of counting की जो है हमने बात करी. अब हम आते हैं basic meaning of arrangement and selections, दोनों पे एक एक करके. arrangement which is also known as permutation, ठीक है ना, अरेंजमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज परम्यूटेशन, ठीक है. सो हाउ डू वी डिनोट अ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन को डिनोट करने के लिए NPR का यूज करा जाता है, सिंबल का NPR. इट डिनोट्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ N डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट अ टाइम. हमारे पास में N डिफरेंट चीजें हैं, उनमें से R चीजें, मान लीजिए 5 टी शर्ट्स हैं या 5 कोई भी बुक्स हैं डिफरेंट, उन 5 में से हमें 3 चीज़ें उठानी हैं और उन 3 चीज़ों को उठाकर जमाना है, है ना. मतलब ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स मैटर करता है ना.
इवेंट्स किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसे परम्यूटेशन कहते हैं। बुक्स को एक तो चीज़ें पांच में से तीन बुक सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके जमाना, तीन प्लेसेस पर जमाना, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, या पहले टू फिर वन फिर थ्री। तो जब जमा रहे हैं, व्हेन अरेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इट इज डिनोटेड बाय NPR। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज समझना होगा, ठीक है ना। सो द फॉर्मूला ऑफ NPR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आई होप फैक्टोरियल यू नो व्हाट इज अ फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसकी भी थ्योरी अभी कवर कर लेंगे, बट यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ NPR, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल कहां से डिफाइंड होता है? जीरो फैक्टोरियल से। द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल इज व्हाट? वन फैक्टोरियल के बराबर या वन, है ना। ये कैसे आता है पता है आप सबको? क्या मैं n फैक्टोरियल को n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n लिख सकता हूं? और यहां से आई कैन राइट n माइनस वन फैक्टोरियल as n factorial upon n. I can write it like this. Now, I know that in this, I can put n as natural numbers. So, agar main n ko 1 rakhta hun, to n ko 1 rakhkar, this will become 0 factorial is equals to 1 factorial upon 1, which becomes 1. To isliye likha hai 0 factorial 1 factorial ke barabar hota hai. Achha, kisi ne kaha ki sir, n ko 0 rakhenge to kya hoga? N ko 0 rakhoge to this will become minus 1 factorial is equals to 0 factorial upon 0. Now, 0 factorial is 1. 1 upon exact 0 is not defined. So that means we can say that factorial of negative integers is not defined. It starts from 0 factorial and then 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial and so on. 2 factorial 2, 3 factorial 6, 4 factorial 24, 5 factorial 120, 6 factorial 720. At least 6 factorial तक अपन को याद रहना चाहिए values. आगे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा NPN कुछ नहीं, वही formula रख लेंगे बेटा, या NPR का जो formula था, R की जगह N रख लेंगे। तो N minus N factorial, 0 factorial is 1. So that means NPN is n factorial. You can write it in this way also. NPN का क्या मतलब है? N चीजें हैं, distinct. N distinct चीजें हैं, उसमें से हमें N चीजों को select करके arrange करना है. सारी चीजें उठानी है और जमानी है. तो बेटा N चीजें थी, सारी उठानी है तो उठा लो. सोचने की जरूरत थोड़ी है. जब पांच में से तीन चीजें उठानी होंगी तब सोचना होगा, तब उसके केसेस होंगे कि कौन सी पिक करें, वो भी तब जब वो डिस्टिंक्ट हैं. अगर पांच में से पांचों उठानी है तो जाएंगे, पांचों चीजें उठा लेंगे, अब हमें उन्हें पांच प्लेस पे अरेंज करना है। सो व्हेन वी हैव टू अरेंज दोस फाइव डिफरेंट थिंग्स ऑन फाइव प्लेसेस, तो कितने तरीके से करेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही मतलब हुआ, वही होता है n फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिख सकते हैं। उसके अलावा एक ये आइडेंटिटी भी होती है, ये भी अगर अपन याद रखें तो अच्छी बात है। 2n फैक्टोरियल इज 2 रेज़ टू द पावर n into n factorial into 1, 3, 5, सारे odd numbers का product. You can remember this identity also, right? कई बार options manage करने के लिए इस तरह का use कर ले, okay? चलिए, now let us pick up some questions. आप भी इनको try करिएगा, ठीक है ना? So, and then we'll check कि क्या हमारा answer आ रहा है. If the number of 5-digit numbers with distinct digits, number of 5-digit numbers, हमें 5 digit का number बनाना है, और digits कैसे हैं उसके? Distinct हैं, है ना, कोई भी दो अलग letters नहीं रख सकते, and 2 at the 10th place. अच्छा भाई, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 5 places बना लेता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और एक चीज तो उसने fix कर दी, 2 at the 10th place, तो 10th place तो fix हो गई, इसको fill up करने का हमारे पास option नहीं। अब numbers कैसे हैं? Distinct, क्योंकि नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं और 2 को हमने यहां रख दिया, इसका मतलब बची हुई चार प्लेसेस पे 2 नहीं आ सकता। तो अब हमें फिल अप करने के लिए जो ऑप्शंस बचे हैं, मैं उन नंबर्स को लिख लेता हूं, 1 0 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आई हैव नाउ 9 नंबर्स रिमेनिंग एक्सेप्ट 2. Now, how many options are there to fill up this? हमेशा नंबर फिलिंग जो है बेटा इस वाले से स्टार्ट करते हैं, ताकि हम ये केस देख सकें, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। जीरो को अगर यहाँ रख देंगे तो देन इट विल नॉट बी अ 5-digit नंबर। ऑलवेज पहले जो कंडीशन है क्वेश्चन में, द कंडीशन वॉज 2 यहाँ होना चाहिए, उसको फुलफिल करेंगे, देन इफ यू आर मेकिंग अ नंबर देन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू जो होती है, जिसकी हमेशा हाइएस्ट सॉरी फेस वैल्यू जिसे अपन कहते हैं, जिसकी हाइएस्ट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी है, मतलब सबसे बड़ा वाला, इधर वाला 10,000 प्लेस, 1,000th प्लेस या जो भी है, उधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे,
हाँ, तो हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? जीरो नहीं रख सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम इन 8 नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर यहां रखेंगे. तो टू फिल अप दिस प्लेस आई हैव 8 चॉइसेस. नाउ आउट ऑफ दीज एक्सेप्ट जीरो, आउट ऑफ दीज 8 एनी वन नंबर हैज बीन प्लेस्ड हियर. कोई ना कोई रखा है, मान लो 1 रखा है या 3 रखा है. जो नंबर यहाँ रखा, मान लो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ हमारे समझने के लिए, मान लो 1 रखा था, तो 1 अब हमारे ऑप्शन में से कट गया. नाउ आई डोंट हैव एन ऑप्शन टू प्लेस 1 बिकॉज आई हैव टू फिल विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स. नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद हाउ मेनी नंबर्स? अब दोबारा 8 ऑप्शन है क्योंकि अब 0 खुल गया, 0 पे से पर्दा हट गया भाई. अब इस प्लेस पे तो 0 आ सकता था, जो यहाँ रखा था उसको हटा कर, पर 0 उसकी जगह ले लेगा. तो अगेन आई हैव 8 ऑप्शन टू फिल अप हियर. अच्छा, आफ्टर दिस नाउ आई हैव हाउ मेनी ऑप्शन? 7 ऑप्शन. बिकॉज यहाँ पर भी एक नंबर रख दिया, 0 रखा चाहे कोई भी रखा, तो वो नंबर भी कम हो गया. इसके लिए तो मैंने बोला आपको 2 रखना ही मजबूरी थी, तो एक ही चॉइस है. और नेक्स्ट प्लेस के लिए आई हैव हाउ मेनी ऑप्शन? 6 ऑप्शन. सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स इन विच 2 इज एट द 10th प्लेस कैन बी 8 × 8 × 7 × 6. एंड क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज इक्वल टू 336 × k. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, राइट? 8 × 7 = 56, 7 से 7 कैंसिल. सो द वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी 8, विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर c. ठीक है बेटा, सिंपली जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और जो बेसिक लॉजिक जैसे मैंने बताया उसके थ्रू कर रहे हैं. सो वी आर एबल टू अरेंज द नंबर्स और वी आर एबल टू प्लेस द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड वी हैव रीच्ड टिल आवर फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन सब लोग और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. टू फैमिलीज विथ 3 मेंबर्स ईच. 2 फैमिलीज हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं ईच, मतलब दोनों के अंदर 3-3 मेंबर्स हैं. एंड 1 फैमिली विद 4 मेंबर्स. बेसिकली 3 फैमिलीज हो गई, F1, F2, F3. F1 में 3 मेंबर हैं, पापा मम्मी बेटा. F2 में भी 3 मेंबर्स हैं, अलग पापा मम्मी और बेटा. और F3 है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, पापा मम्मी बेटा बेटी, ऐसे. ठीक है ना? सो दे आर टू बी सीटेड इन अ रो, एक लाइन में उनको बिठाना है. इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड, कितने तरीके से हम उनको बिठा सकते हैं, बिठा सकते हैं, बिठाना है. हम जो है ऐसे मान लीजिए सीटिंग कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे सामने 3 फैमिली मेंबर्स खड़े हैं, एक में 3 मेंबर्स हैं, दूसरे में 3 मेंबर्स हैं और 4 हैं. हमें बोला इनको लाइन में एक रो में बिठाना है अंडर द कंडीशन दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड. सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड. जब भी बेटा नॉट सेपरेटेड रहता है इसका मतलब टुगेदर. तो टुगेदर के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा? बॉक्स मेथड. क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स मेथड, या इसको स्ट्रिंग मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, क्या मतलब है? जब चीजों को साथ रखना है, जब हमें कुछ चीजों को साथ रखना है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जिनको साथ रखना है वो एक बॉक्स पे बंद है या वो एक रस्सी से बंधे हुए, ऐसा मान लेते हैं ना. दे आर अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग और दे आर बीइंग प्लेस्ड इन अ बॉक्स. तो जो फर्स्ट फैमिली थी उनको एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है ना, ऐसा समझना है. दूसरी फैमिली को दूसरे डब्बे में बंद कर दिया और तीसरी फैमिली जिसमें 4 मेंबर थे थोड़े से बड़े डब्बे में उनको बंद कर दिया. तो टोटल 3 बॉक्सेस हो गए. कितने बॉक्सेस हो गए? 3 बॉक्सेस. बॉक्स 1 विद मेंबर्स 1, 2, 3. देन देयर इज बॉक्स 2 विद 3 मेंबर्स, लेट्स से 4, 5 एंड 6, नंबरिंग कर रखी है. एंड देन देयर इज बॉक्स नंबर 3 विद मेंबर्स 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, नाउ दे आर टू बी प्लेस्ड इन अ रो. तो हम पहले बॉक्सेस को अरेंज करते हैं. हम 3 बॉक्सेस हैं, हम 3 बॉक्सेस को अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं. तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 3 × (n)2. अब हम ऐसा सोचें कि बॉक्स के अंदर हम 1, 2, 3 की पोजीशन भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. इनका इंटरनल अरेंजमेंट करने से रहेंगे तो वो तीनों साथ में, बट देयर पोजीशंस कैन बी इंटरचेंज. तो इंटरनल अरेंजमेंट इनसाइड फर्स्ट बॉक्स कैन बी डन इन 3 वेज. Inside box 2 also 3 factorial, and inside box 4 it can be done in
फोर फैक्टोरियल वेज. समझ में आया? दिस इज व्हाट इंटरनल अरेंजमेंट. ठीक है, दिस इज इंटरनल अरेंजमेंट एंड दिस इज अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस. सो व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस क्वेश्चन, देन व्हेन थिंग्स आर टू बी केप्ट टुगेदर यार और दे आर नॉट सेपरेटेड, वी यूज अ बॉक्स मेथड और अ स्ट्रिंग मेथड एंड देन वी एज्यूम दैट. ऐसा सोच कर अरेंजमेंट करेंगे तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सो आंसर 3 factorial 3 बार आ रहा है, तो 3 factorial cube into 4 factorial, 3 factorial cube into 4 factorial is written in option number B. So this option will be the right answer for this question. ठीक है बेटा जी, चलें आगे. चलो नेक्स्ट. हाँ भाई, ये भी काफी पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें कहते हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, है ना. डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, डिक्शनरी, आई होप सबने डिक्शनरी देखी है. क्या होता है डिक्शनरी प्रॉब्लम्स के अंदर, या डिक्शनरी के अंदर अल्फाबेटिकली जो है वर्ड्स अरेंज होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं. तो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेटेड, मतलब अरेंज्ड, एंड ऑल द वर्ड सो फॉर्म्ड, जो भी वर्ड बन रहा है विद और विदाउट मीनिंग, हमें इससे कोई मतलब आप सब, क्योंकि ये लिखना जरूरी है भाई, है ना, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स विच जैसे ही ये लिखते हैं वो पूछते हैं सर डिक्शनरी में तो जो वर्ड बनाते हैं उनका तो सबका मतलब होता है. अब आप इससे, मैं आपको एक वर्ड बना के देता हूँ जम्बल करके, आप बताओ उसका मतलब क्या है. तो है ना, हमें ये सब नहीं सोचना है. विद और विदाउट मीनिंग बी लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, देन द पोजिशन ऑफ मदर, या पोजिशन की बजाय कई बार वो रैंक वर्ड का भी यूज करता है. रैंक क्या होती है भाई, रैंक मतलब पोजीशन ही होती है ना. हमने क्लास में क्या रैंक आई, हम उस क्लास में किस पोजीशन पे हैं, हमारी रैंक 10th आई, मतलब हमारे आगे 9 बच्चे थे और हम 10वीं पोजीशन पे थे, ऐसी मतलब होता है. तो उसकी पोजीशन बतानी, तो मदर वर्ड को डिक्शनरी में हम अरेंज कर रहे हैं तो क्या होगा. तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इस वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो. ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. सही है भाई, ए बी सी डी पढ़नी पड़ेगी, है ना, ए बी सी डी पढ़ के और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जमा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब क्यों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि बेटा जो हम डिक्शनरी बनाएंगे, हमारे पास डिक्शनरी बनाने के लिए 6 letters अवेलेबल हैं, तो हमारी डिक्शनरी कहाँ से स्टार्ट होगी, ई से. हमें किस वर्ड की पोजीशन तक जाना है, मदर वर्ड की पोजीशन तक जाना है. तो मदर वर्ड तक पहुँचने में जो वर्ड्स ई से स्टार्ट होंगे वो डिक्शनरी में पहले आएंगे, तो उन सारे लेटर्स को काउंट कर लेते हैं. तो आर डिक्शनरी स्टार्ट्स विद ई, ई से जब स्टार्ट करेंगे तो ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई विल कम बिफोर द वर्ड मदर. तो ई से स्टार्ट होने वाले होंगे कितने, मतलब ई जब फर्स्ट पोजिशन पे होगा तो इन 5 places को 5 letters से क्या 5 factorial से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 120 words विल बी फॉर्म स्टार्टिंग विद ई. देन स्टार्टिंग विद एच, क्योंकि हमें तो एम तक पहुंचना है, एम एच से स्टार्ट होने वाले भी क्या बेटा 5 factorial अगेन 120 होंगे. अब एच के बाद नेक्स्ट हमारे वर्ड एम से बनने स्टार्ट होंगे, तो मदर में क्योंकि हमें एम से ही स्टार्ट होना था, तो नाउ वी विल बी वेरी केयरफुल, हम एम की पोजीशन फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये एक ही बार लिखा है, एम हमारी प्लेस पे फिक्स हो गया, हमें एम चाहिए ही था. अब जो बचे हुए लेटर्स हैं हम उनसे दोबारा डिक्शनरी बनाएंगे. ऐसी होता है ना, डिक्शनरी में एक लेटर आ जाता है फिर अगले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट होते हैं, तो अगला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आएगा, हमें मदर में ओ चाहिए था, तो मतलब ई से स्टार्ट होने वाले एम ओ से स्टार्ट होने वालों से पहले आएंगे. तो इससे स्टार्ट होने वाले में पहले कितने, 4 places बची हैं, तो 4 factorial से हम बाकी 4 को अरेंज करेंगे, तो 24 वर्ड्स और बनेंगे. M ऑलरेडी फिक्स हो चुका था, अब E के बाद H आएगा, वी डोंट वांट H हियर, तो अगेन 4 factorial, 24 मोर वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड. नाउ M हैज बीन फिक्स्ड, नाउ अल्फाबेटिकली M O विल कम, आई वांट O ऑन दिस पोजीशन, सो आई विल स्ट्राइक O ऑल्सो. नाउ O कांट बी अरेंज फर्दर, यहाँ रखना ही था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. I want T, अब हमारा कहानी शुरू होगी E से, तो how many places, 3 places will be remaining, 3 factorial, that is 6 more words will be formed. M, O, after E, H will come, तो again 6 more words will be formed. M is fixed, O is fixed, after H, R will come. I don't want R, I want T, so again 6 more words will come. Now after M, O,
आर रख के बन गए वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन टी का ही है, तो टी को रखना ही है, टी फिक्स हो जाएगा, टी मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ. नाउ अकॉर्डिंग टू आर डिक्शनरी अल्फाबेटिकली ई से स्टार्ट होगा, आफ्टर टी आई वॉन्ट एच, सो आई विल राइट इफ इट विल स्टार्ट विद ई, तो ये उससे पहले आएंगे. कितने आएंगे? 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 मोर. नेक्स्ट एम ओ टी, ये तो फिक्स हो ही चुके हैं. आफ्टर ई एच विल कम. नाउ आई वॉन्ट एच टू बी द नेक्स्ट लेटर, एच आ गया तो आई विल फिक्स इट हेयर, आई विल कैंसिल एच फ्रॉम हेयर. नाउ आफ्टर एच अल्फाबेटिकली ई विल कम, येस आई वॉन्ट ई ओनली, एंड देन आर विल कम. तो दैट मीन्स वन पोजिशन फॉर, भाई देखो मदर वर्ड तक पहुंच गए, मदर वर्ड बन गया, इसकी पोजिशन बतानी, तो इससे पहले तो इतने थे, एक पोजिशन उसकी खुद 10th रैंक जैसे मैंने बताई. तो वी कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ ये वर्ड्स सो दैट वी कैन गेट द पोजिशन ऑफ मदर. 120, 120, 240 एंड 24, 264, 264, 268, 278, 288, 288, 294, 300, 306, 308 and 1, 309. So the position of the mother word is 309. ठीक है बेटा? Thank you प्यारे बच्चों. आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेन्स 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं. अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले. ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें. ठीक है? ओके. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू. बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना? पहले ये पूछा जा चुका है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी. ठीक है, ध्यान से बस ऑब्जर्व. वैसे कैलकुलेशन इज नॉट टफ, ऑब्जर्व करना क्या लिखा हुआ है दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. 2 इंटू 1p0 माइनस 3 इंटू 2p1 प्लस 4 इंटू 3p2 एंड सो ऑन अप टिल 51th टर्म, एंड 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस डिड अप टिल 51th टर्म. ठीक, ये तो जो लिखा हुआ ही है भाई, इसको जरा सोचें. तो पहला टर्म है 2 इंटू 1p0. व्हाट इज 1p0? क्या होता है npr का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल. नेक्स्ट 3p2, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल. ठीक है, प्लस 4 इंटू 3p2 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल. माई मिस्टेक, 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल, राइट? 1 फैक्टोरियल एंड टुक 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 चलता जा रहा है. ठीक है, आई एम सॉल्विंग दिस ओनली फॉर नाउ. अब देखो डिनोमिनेटर तो सबका 1 फैक्टोरियल है, तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल करूंगा तो क्या मैं इसे 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? इसको मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. तो आई एम सीइंग दैट इवन वाले सब प्लस आ रहे, तो इफेक्टिवली नेक्स्ट विल बी माइनस 5 फैक्टोरियल. एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 51th टर्म तक जाना है. 51, देखो ये 1 से स्टार्ट होता तो 51 फैक्टोरियल आता, यहां आएगा 52 फैक्टोरियल तक. ठीक है, तो लास्ट में माइनस 51 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल, इवन वाला प्लस ऑड वाला माइनस, ये पहला ब्रैकेट की वैल्यूज हो गई. अच्छा, दूसरे में क्या लिखा है जरा देखें. 1 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है और इसमें क्या इवन वाले माइनस हो रहे हैं? माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, हाउ मेनी टर्म्स? टिल 50 टर्म्स. सो लास्ट वन विल बी प्लस 51 फैक्टोरियल, बिकॉज आई एम सीइंग दैट इवन वाले माइनस के साथ थे. अब अगर आप इन दोनों को देखो तो यहां से क्या ये 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा? माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा. माइनस 51, एवरी टर्म विल गेट कैंसिल. 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 51 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल्ड विद 51 फैक्टोरियल. ओनली 2 टर्म्स रिमेन, 1 इज 1 फैक्टोरियल हियर एंड 1 इज 52 फैक्टोरियल हियर. सो योर फाइनल आंसर बिकम्स 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 प्लस 52 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल दैट इज 1 प्लस 52 फैक्टोरियल इज रिटन इन ऑप्शन नंबर बी. कितना कैलकुलेशन फास्ट हो गई अगर हम ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करें और ऑब्जर्व करें.
ठीक है बेटा, चलिए, वेरी गुड. सो दीज वर द सम क्वेश्चंस दैट वी डिड बेस्ड ऑन द परम्यूटेशंस. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सेलेक्शन ऑल्सो. दैट इज सेलेक्शन बोलते हैं या हम इसे कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. ठीक है, सेलेक्शन करना या कॉम्बिनेशन करना. ठीक, एंड इट्स डिनोटेड बाय NCR. NCR से डिनोट करते हैं. क्या मतलब होता है NCR का? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या सेलेक्शंस. जैसे मैंने कहा था, पांच में से तीन चीजें उठानी है, पांच बुक में से तीन बुक्स उठानी है, तो बस उठा के हमने अपने पास रख ली. अब हमें उन्हें रखना नहीं है, हमें उन्हें अरेंज नहीं करना कहीं पर. तो दैट इज कॉल्ड अ सेलेक्शन, राइट? व्हेन ऑर्डर ऑफ अकरेंस डज नॉट मैटर. इवेंट्स किस ऑर्डर में अकर कर रहे हैं, मैंने पहले वन उठाई, फिर टू उठाई, फिर थ्री उठाई, है ना, या मैंने पहले टू उठाई और वन उठाई या थ्री उठाई, इन दोनों में हम अंतर नहीं कर रहे हैं. बस हमने तीन हाथ डाल के तीन बुक्स उठा ली, खत्म, झोले में भर ली, है ना. सो दैट इज कॉल्ड अ सेलेक्शन. सो इट इज डिनोटेड बाय NCR एंड इट इज डिनोटेड एज द फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. या मैं आपको ये भी बोलूंगा कि जो NPR होता है आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, NPR यू कैन रिमेंबर एज NCR इनटू r फैक्टोरियल. मतलब अगर हमें r चीजों का अरेंजमेंट करना है आउट ऑफ n, तो पहले हम n में से r चीजें सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम उन r चीजों को अरेंज करेंगे. तो हमने पहले NCR से सेलेक्ट कर ली, फिर r फैक्टोरियल से हमने उनको अरेंज कर दिया. तो NPR को हम NCR इनटू r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है बेटा इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, NCR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास. तो जिनमें पहला, ये बाइनोमियल में वैसे हमने करा था, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. कैसे समझाया था? N में से R चीजें सेलेक्ट करना या N में से N माइनस R रिजेक्ट करना. हम पांच में से दो बुक सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट कर ली कि फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करनी है, या आप तीन चार पांच को रिजेक्ट कर दो कि मुझे ये तीन नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली दो आपके पास आ गई. R चीजें सेलेक्ट करना या N माइनस R को रिजेक्ट करना एक ही चीज है. फॉर्मूले से तो चेक कर ही सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं. तो NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R, या यू कैन से दैट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड आर इक्वल. तो ये वही चीज हो गई, है ना. उसके अलावा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाइनोमियल में. कई बार हमने सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं. NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR. ठीक है, एंड नथिंग, थर्ड पॉइंट इज नथिंग एज सच. तो ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए. ठीक है, चलिए, लेट अस कम अप टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. देर आर थ्री सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर. एक क्वेश्चन पेपर में थ्री सेक्शंस है, ईच सेक्शन कंटेन्स फाइव क्वेश्चंस. ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? फाइव क्वेश्चंस ईच, फाइव क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन. ठीक है, अ कैंडिडेट हैज टू आंसर अ टोटल ऑफ फाइव. उसे टोटल कितने क्वेश्चंस आंसर करने हैं? पांच. चूजिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन. हर सेक्शन में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना ही करना है. देन द नंबर ऑफ वेज इन विच द कैंडिडेट कैन चूज. चूज मतलब समझ में आता है सेलेक्ट करना, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो हम कितने तरीके से पांच क्वेश्चन टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं? पांच इधर है, पांच इधर है, पांच इधर है, सब में से एक एक लेना है. सबसे पहले केस बना लेते हैं. ठीक है, पहला केस कि हमने सेक्शन ए से एक ही क्वेश्चन लिया, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन लिया, दो हो गए, और सेक्शन सी से तीन क्वेश्चन लिया. ठीक है, अच्छा, अब तो हर सेक्शन में से एटलीस्ट एक ले लिया, टोटल पांच ले लिए. अब हम इस 1 1 3 को इधर उधर घुमा सकते हैं. समझ में आई क्या बात? मतलब 1 3 1 ऐसा भी हो सकता है और 3 1 1 ऐसा भी हो सकता है. तो टोटल 1 1 3 के तीन केस हो गए. समझ में आई बात? अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? क्या 1 2 2 भी एक तरीका हो सकता है? और इसी को अपन घुमा भी सकते हैं. 2 इधर से लें, 1 इधर से लें, 2 इधर से लें, या 2 2 इसमें से लें और 1 यहां से लें. करेक्ट है बेटा? तो ऑल टुगेदर हमारे पास कुल मिलाकर 6 केस, इसके अलावा और कोई केस नहीं आएंगे अगर हमें हर सेक्शन में से कम एक तो लेना ही लेना है. ठीक है, तो हम इसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे? पांच में से कोई एक, 5C1, NCR हमने देखा था, 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3, और ऐसे टोटल कितने केस हैं बेटा? तीन केस हैं, नहीं है क्या?
इसमें भी लिखूंगा तो मैं यही ना 5C1 भाई, आइदर दिस और दिस, या तो ये, तो ये जब दिस एंड दिस तो एंड में तो इनटू किया, और करते हैं तो ऐड कर रहे हैं, तो उन केसेस को ऐड किया तो तीन केस तो इसके हो गए, और ऐसी इसमें हम करेंगे तो 5C1 इंटू 5C2 इंटू 5C2 इंटू 3, ये इसके केस हो गए। तो अब हम इन्हें टोटल काउंट कर लेते हैं, 5, 5, 25 and 10, 7, बेसिकली आई थिंक 25 3 75 into 10 750 प्लस 5 3 15 एंड 2 10, तो दिस बिकम्स 2250। सो हाउ मैनी टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2250, कितने तरीके निकल जाते हैं। बट ठीक है, अपन को से क्या मतलब, अपन थोड़ी करने बैठ रहे हैं ना, राइट? हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, जो हमने फॉर्मुले से NCR NPR के फॉर्मुले यूज करके वी हैव रीच द आंसर, ठीक है? तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। बढ़िया से समझ में आता है, केस बना के सबके केसेस के टोटल फटाफट तरीके लिखे, जोड़ दिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट। नाउ अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? जो अपन लोग करते हैं मल्टीपल चॉइस ABCD, उसे मल्टीपल चॉइस कहते हैं। ईच हैविंग 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स, हमारे भी ये होता है ABCD, 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स आते हैं, ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, सिंगल करेक्ट, जो हम करते हैं सिंगल करेक्ट या न्यूमेरिकल आता है, ये सिंगल करेक्ट है, ठीक है? तो 6 क्वेश्चन के सारे कैसे हैं, 4-4 ऑप्शंस हैं और सब सिंगल करेक्ट हैं, उनमें से कोई एक आंसर ही सही होगा। तो अगर पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है तो गलत 3 है, BCD, ऐसे समझते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट आंसर्स ऑल 6 क्वेश्चन, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, 6 के 6 क्वेश्चन आंसर करेगा, सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर आर करेक्ट, उसके उस 6 में से एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन के सही आंसर होते हैं। आपको बेटा ये चीज समझनी है कि कोई भी एक क्वेश्चन है ABCD, 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दे रखा है हमको, है ना, हमें दे रखा है कि करेक्ट आंसर इसका बी है। अब मैं जब इसका आंसर कर रहा हूं तो या तो मैं ए मार्क करूंगा या बी करूंगा या सी करूंगा या डी करूंगा, मुझे इसमें सिंगल करेक्ट है, क्योंकि मुझे इसके आंसर करने के कितने ऑप्शन हैं, अलग अलग 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ही तरीके से सही होगा। अगर मैंने बी का मार्क किया तो सही होगा, 3 तरीके से गलत होगा। अब उन 6 में से हमारे 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए एग्जैक्टली, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले 6C4 से क्या सेलेक्ट करूंगा, कौन से 4 क्वेश्चन सही हुए, भाई ये भी तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सही हुआ, तो 6 में से 4 सही होने के भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं, वो हमने 6C4 से कोई 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, हर उस 4 क्वेश्चन का मैंने सही आंसर मार्क किया था, तो सही आंसर मैंने बताया कितना तरीका है मार्क करने का, एक ही तरीका है, 4 बार 1 × 1 × 1 × 1, हर उस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करने का एक। अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है, 64 से 4 तो सेलेक्ट हो गए, 2 जो बच गए उन दोनों को अब सेलेक्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी हम आंसर कर रहे हैं, पर उनको गलत करना है, तो उनको गलत करने का कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, तो दोनों को गलत करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सो आवर आंसर विल बी 64 × 9, 64 कितना होता है, 15 × 9 is 135। तो हम 135 तरीके से, या वो कैंडिडेट के पास 135 तरीके हैं जिससे वो 6 में से 4 सही करे, 2 गलत करे, सिंगल करेक्ट थे, ठीक है, 6 अटेम्प्ट कर रहा था, गुड। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, नाउ थोड़ा ज्योमेट्रिकली रिलेटेड क्वेश्चन, लेट n ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर, ठीक है, n 2 से बड़ा कोई एक इंटीजर है, सपोज दैट देर आर n मेट्रो स्टेशंस इन अ सिटी लोकेटेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में, एक सिटी में n मेट्रो स्टेशंस है, ठीक है, जरा हम डायग्राम बना के थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, स्टेशन नंबर 1 स्टेशन नंबर 2 स्टेशन नंबर 3 स्टेशन नंबर 4, ठीक है, स्टेशन नंबर n स्टेशन नंबर n-1 स्टेशन नंबर n-2, लाइक दिस, ठीक। Each pair of stations is connected by a straight track only. हर स्टेशन को दूसरे स्टेशन से straight line से जोड़ देते हैं। Further, each pair of nearest stations is connected by a blue line. क्या मतलब हुआ बेटा इसका? कि हर neighboring जो stations हैं, 1 को 2 से जोड़ेंगे तो blue line का use कर रहे हैं,
टू से थ्री को जोड़ेंगे तो ब्लू लाइन, थ्री से फोर को जोड़ेंगे तो ब्लू लाइन, वन से एन को जोड़ेंगे तो ब्लू लाइन, वन से एन माइनस वन ब्लू लाइन, इसको जोड़ेंगे तो एन लाइन. ईच नेबरिंग स्टेशन, ईच पेयर ऑफ द नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, वेयर एज ऑल रिमेनिंग पेयर ऑफ स्टेशन आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन. बाकी जितने स्टेशन हैं उनको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? रेड लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, है ना? तो हमने ऐसे ऐसे, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ऐसे 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 करके इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और बची हुई जितनी भी हैं उनको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? रेड लाइन से. मान लीजिए वन को थ्री से कनेक्ट कर रहे हैं रेड लाइन से, वन फोर से है, वन यहाँ से है, कहीं से भी. बाकी जो भी स्टेशन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो सब रेड लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट इट्स सेइंग, इफ द नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, ठीक है? रेड लाइन्स जो है वो ब्लू लाइन्स का 99 टाइम्स हैं, तो एन की क्या वैल्यू होगी? ठीक, चलिए सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि ये जो बन रहा है, क्या ये हम इसको एक एन साइडेड पॉलीगन मान सकते हैं? जल्दी बताइए. बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक. अच्छा, ये जो ब्लू लाइन्स हैं, ये जो ब्लू लाइन्स हैं, क्या ये पॉलीगन की साइड्स हो गई? क्या हो गई? साइड्स. और जो रेड लाइन्स हैं, है ना, कहीं उसने पॉलीगन लिखा नहीं था पर ये एक्चुअली वही क्वेश्चन हो गया. आई होप आपने शायद ये पहले कभी करा होगा. तो ये जो रेड लाइन्स हैं, क्या ये डायगनल्स हो गई उसकी? हो गई ना, ठीक है. तो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स. तो भैया ब्लू लाइन्स कितनी है पहले तो ये बता दो. ब्लू लाइन्स तो ऑफकोर्स एन के बराबर होंगी, भाई एन साइडेड पॉलीगन है तो उसकी साइड एन होंगी. अच्छा, नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगनल्स या रेड लाइंस कितनी होंगी? जो डायगनल्स हैं क्या वो भी लाइंस ही हैं? एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. हमारे सामने यहाँ पर एन पॉइंट्स हैं, तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं? एन सी टू. अच्छा, इन एन सी टू में मतलब क्या कि हमने एन में से कोई भी दो पॉइंट उठा लिए, दो पॉइंट उठाऊंगा उन दोनों के बीच में एक लाइन आएगी. पर इन एन सी टू में साइड्स भी तो आ गई पॉलीगन की. अरे यार, एन सी टू में ऐसा हो सकता है वन और टू को सेलेक्ट किया तो साइड आ गई. तो एन सी टू माइनस नंबर ऑफ साइड्स बिकम द नंबर ऑफ डायगनल्स. तो नंबर ऑफ डायगनल्स पता है और नंबर ऑफ साइड्स पता है. अब क्वेश्चन में क्या था? रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स मोर नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, ठीक है? तो रेड लाइन्स जो है एन एन सी टू माइनस एन इज इक्वल्स टू 99 टाइम्स ऑफ एन. ये बोल रहे हो एन सी टू, ये 100n हो जाएगा. एन सी टू मतलब हो गया n इंटू एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ n. एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल्स टू 200 ऑफ n. एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 201n. अब n ऑफकोर्स जीरो नहीं हो सकता है, कैंसिल करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 201. सो दैट मीन्स देर आर 201 मेट्रो स्टेशन. द वैल्यू ऑफ n इज 201 विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है? समझ में आया कैसे ज्योमेट्री इन्वॉल्व करके सिलेक्शन ही है बेसिकली स्ट्रेट लाइन. अच्छा, कई बार वो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में मैं एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ चीज, ट्राइंगल्स पूछता है कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं. तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, कितने पॉइंट्स की जरूरत है हमें? तीन. तो एन सी थ्री नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म. ऐसे कुछ भी वो पूछे क्वेश्चन तो वी कैन प्रोसीड, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुपिंग थ्योरी. हम इसे और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ग्रुपिंग थ्योरी. ग्रुपिंग कब करी जाती है बेटा, कब यूज करते हैं? जब बहुत सारी चीजें हैं हमें उनको कुछ हिस्सों में बांटना है. 10 चीजों को 3 टुकड़ों में बांटना है, समझ में आ रहा है? 20 चीजों को 5 टुकड़ों में बांटना है. डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखें. थिंग्स आर डिस्टिंक्ट, सो व्हेन मेनी थिंग्स हैव टू बी डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप्स, और फिर उनको मान लो लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो थ्योरी क्या कहती है, लेट अस रीड दैट थ्योरी. फर्स्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच, लेट्स से देयर आर सम थिंग्स m + n + p, कैसी डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स. हमें इन चीजों को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना है. कंटेनिंग कितने, एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? m. 10 किताबें थी, 10 किताबों को हमें 2, 3, और 5 के ग्रुप में बांटना है. ऐसे समझ लो, एक ग्रुप में या 3 डब्बों में रखना है. एक डब्बे में 2 किताबें होनी चाहिए, एक में 3 किताबें होनी चाहिए, एक में 5. अलग है ना, m भी अलग है, n भी अलग है, p भी अलग है, ठीक है? यहां पर वी हैव एज्यूम्ड
m is not equals to n is not equals to p. ठीक है, तो कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, m plus n plus p factorial upon m factorial n factorial p factorial. हमें फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना है कोई भी इक्वल नहीं था, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग इज दिस. तो यहां तक तो सिर्फ ग्रुपिंग हुई है, ग्रुपिंग हुई मतलब 10 चीजों को 2, 3 और 5 की टुकड़ियों में या बक्सों में रखा गया है. अब सामने तीन लोग खड़े हैं, हमने ये चीज, ये तो हम कर रहे हैं, हमने क्या ग्रुप बनाने का काम, तीन बॉक्स बन गए. अब सामने राम श्याम घनश्याम खड़े हैं, राम श्याम घनश्याम को ये तीन डब्बे बांटने हैं, कोई कंडीशन नहीं, किसी के पास भी एक डब्बा जा सकता है. तो तीन बॉक्स को तीन लोगों में 3 फैक्टोरियल से बांटूंगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. ग्रुपिंग थ्योरी डिस्टिंक्ट चीजों के लिए कब करते हैं, जब बहुत सारी चीजों को कुछ हिस्सों में बांटना है और उन हिस्सों को मान लो लोगों में बांटना है, तो आगे भी कर सकते हैं. तो अगर ग्रुप्स इक्वल नहीं है, वो जो चीजें हम बांट रहे हैं ग्रुप्स में वो बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है. और अगर m इक्वल टू n इक्वल टू p हो गया, चीजें वही हैं पर m n p बराबर है, अब हमें इन्हें तीन ग्रुप्स में बांटना है, एक में n n n चीजें हैं, ठीक है ना, हैव आइडेंटिकल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. बेसिकली अंग्रेजी लिखी अच्छी सी, आप तो ये समझो कि 10 चीजों को, 10 तो नहीं हो सकती, अब 9 चीजों को, 9 चीजों को तीन 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 के तीन ग्रुप्स में बांटना है, 9 चीजों को तीन 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 के तीन ग्रुप्स में बांटना है. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या होगा, 3n फैक्टोरियल है, तो वही m plus n plus p ही लिखा है, बस m n p को सबको n n रख दिया, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आएगा. अब ये चीज जो है एक्स्ट्रा आ जाती है इसमें, जो ध्यान रखनी होती है, जितने इक्वल ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा. अगर मान लो 6 डिस्टिंक्ट चीजों को 1, 1 और 4 में डिवाइड कर रहे होते, आप 6 डिफरेंट चीजों को तीन ग्रुप्स में बांटना है, एक में एक चीज है, एक में एक चीज है, एक में चार चीजें, तो आंसर होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन में ही 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1, 1 दो इक्वल ग्रुप्स हैं. तो जितने नंबर्स का इक्वल ग्रुप होगा उतने के फैक्टोरियल से और नीचे डिवाइड होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना. एंड ये वही चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ दीज थिंग्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 पर्संस, ये तो ग्रुपिंग हो गई. अब इन ग्रुपिंग को हमें तीन लोगों में और बांटना है, तो जब ग्रुपिंग करी थी तो वेज ऑफ ग्रुपिंग तो ये था, अब राम श्याम घनश्याम को वो तीन ग्रुप बांटे थे तो 3 फैक्टोरियल किया, तो वो कट गया, वो ही वहां पहले लिखा हुआ था, ठीक है. वही चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड वेल यू रीडिंग द क्वेश्चन देन यू विल अंडरस्टैंड कि सिर्फ ग्रुपिंग करनी है कि ग्रुप बना के डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. 12 डिफरेंट टॉयज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 चिल्ड्रेन इक्वली. 12 अलग टॉयज को 3 बच्चे, वही अभी मैंने नाम बोले राम श्याम घनश्याम मान लेते हैं, उनको इक्वली बांटना है. इक्वली का मतलब सबके पास कितने टॉयज आने चाहिए, 4 4 4 टॉयज आने चाहिए, ठीक है ना. तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो बेसिकली 12 चीजों को 3, पहले मैं ग्रुप तो बना लूं, पहले मैं 12 चीजों के 3 ग्रुप बना लूं, 3 डब्बे बना दूं, फिर इन 3 डब्बों को 3 बच्चों में बांट दूंगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है. तो ये ग्रुपिंग कितने तरीके से होगी बेटा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया नीचे, क्योंकि 4 4 4 के 3 इक्वल ग्रुप्स थे, 3 इक्वल ग्रुप्स तो 3 फैक्टोरियल, और आगे 3 फैक्टोरियल और आएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें अब हम कैलकुलेट कर लेंगे ये 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है. सो आर आंसर विल कम आउट टू बी 34650 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है. कैलकुलेशन यू हैव टू डू, वो आप कर ही लेंगे, ठीक है. डी ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है. चले आगे. इन हाउ मेनी वेज 10 persons can be divided into 5 pairs. क्या मतलब हुआ? 5 pairs, 5 pair बनाने. तो कितने ग्रुप बने? 5 ग्रुप, pair मतलब ग्रुप. ग्रुप में कितने लोग होंगे? 2-2 लोग होंगे. तो 10 लोगों को क्या करना है? 10 लोगों को क्या करना है? 2, 2, 2, 2 और 2. 10 को, 10 persons को 2, 2, 2, 2, 2 के 5 equal groups में distribute करना है. Divided into 5 pairs. That's it. सिर्फ ग्रुपिंग करनी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. तो ग्रुपिंग कितने तरीके से होगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितनी बार? 5 बार.
और क्योंकि 5 इक्वल ग्रुप्स थे तो नीचे 5 का फैक्टोरियल और आएगा। समझ में आ गई क्या बात? ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तक उड़ा दो तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय ये कितना होता है 32, ठीक है, 8 × 4 = 32, 2 × 3 = 2, 5 = ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, दिस विल बिकम, व्हाट इज योर आंसर, 45 × 21, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो 45 × 20 करूँगा तो 900 तो आई जाएगा, 945 विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए, सो ये अभी तक की जो भी हमने थ्योरी करी थी, ये सारी थ्योरी अभी तक डिस्टिंक्ट चीज़ों के सेलेक्शन, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्टिंक्ट चीज़ों को या बहुत सारी चीज़ों को हमें साथ रखना होता है, मान लीजिए तो साथ रखते हैं तो कैसे रखते हैं, मैंने बताया बॉक्स मेथड। अच्छा, अलग रखने का भी होता है तरीका, उसे हम गैप मेथड कहते हैं। चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है। लेट्स से वील टेक अ वर्ड डॉटर, DAUGHTER, ठीक है। क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स बी अरेंज्ड, इफ इन नो अरेंजमेंट, जी एच टी अकर टुगेदर, ठीक है ना, कोई दो इनमें से कभी साथ नहीं होने चाहिए, हमें इन सब लेटर्स को अरेंज करना है, जी एच टी कभी साथ नहीं होने चाहिए, कोई दो भी नहीं, जी और एच भी नहीं साथ हो सकते, ठीक है ना। तो इनको करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जी एच टी को हम हटा लेंगे, उसके अलावा जो लेटर्स हैं वो लिख लेंगे डी ए यू ई और आर, ठीक है, सब डिस्टिंक्ट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, पहले हम इन 5 चीज़ों को एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं, इनको अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल तरीके। अरेंज करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इनके बीच के गैप्स काउंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड गैप मेथड। व्हाट वी विल डू इज, जिन चीज़ों को सेपरेट करना है जी एच टी को, मैं उनको इनके बीच के गैप्स में रख देता हूँ। तो जब मैं गैप्स में रखूंगा तो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो जब चीज़ों को साथ रखना होता है तो बॉक्स में रखा था, जब सेपरेट करना होता है तो गैप मेथड। जिनको सेपरेट करना है उनको हटा दो, बाकी चीज़ों को लाइन में अरेंज कर दो। आफ्टर दिस, इन 5 चीज़ों के बीच में एक लाइन में कितने गैप्स हैं, 6, और हमें कितनी प्लेसेस की ज़रूरत है, 3 लेटर्स है ना। तो आई विल सेलेक्ट 3 प्लेसेस आउट ऑफ 6 एंड ऑन दीज 3 सिलेक्टेड प्लेसेस उन 3 लेटर्स को 3 फैक्टोरियल से मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड गैप मेथड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, अलग करना है तो गैप मेथड से, एक साथ रखना है तो बॉक्स मेथड से हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अब हम आगे चलते हैं, परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। अब हम आइडेंटिकल चीजों के अरेंजमेंट और सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। सिलेक्शन भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, है ना, और अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो बहुत सीधा सा है, ठीक है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, एन थिंग्स है, सबको एक साथ हम अरेंज करना चाह रहे हैं, जिनमें से पी ऑफ देम आर सिमिलर ऑफ वन काइंड। पी 10 चीज़ें हैं, 10 में से 3 एक जैसी हैं, 10 बॉल्स हैं, 3 वाइट कलर की हैं, तीनों सेम आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। सबसे पहले आइडेंटिकल में क्या होता है, देखो अगर मैं आपके हाथ में सिर्फ 3 आइडेंटिकल बॉल्स पकड़ा दूँ, बिल्कुल एक जैसी हैं, और मैं बोलूँ इनको 3 प्लेसेस पर रखो, अब इफ़ वी नो, अगर हमें पता है कि वो तीनों आइडेंटिकल हैं और तब हम उनको अरेंज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार ये वाली बॉल को फर्स्ट प्लेस पे, इसको सेकंड पे रखूँ, तो सामने खड़े वाला हमको पागल ही समझेगा, वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या करो यार। हम खुद को भी समझ सकते हैं नहीं क्या, कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, जब हम आइडेंटिकल चीज़ें हैं उनको आपस में अरेंज करने का क्यों करें, जब आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका है, किसी को भी कैसे दो, वी डोंट हैव टू अप्लाई मच ऑफ अ माइंड इन थिंकिंग, डिस्टिंक्ट होती तो सोचता, अलाइक को कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। तो एन चीज़ों में से पी एक जैसी हैं, क्यू अलग एक जैसी हैं, 3 वाइट थी, 3 रेड कलर की थी, आइडेंटिकल, अलग हो गई ना, वाइट से अलग हो गई, है ना, एंड ऑफ अनदर टाइप, एंड आर ऑफ देम सिमिलर, एंड जो भी है थर्ड टाइप,
एंड रिमेनिंग आर ऑल डिफरेंट, ठीक है, कुछ भी मान लिया, ऐसे करके कर लिया, तो कितने तरीके से, ये थोड़ा सा शायद स्लाइड में ऐसा होगा, मैं लिख देता हूँ, तो टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से करेंगे, टोटल अगर सब डिस्टिंक्ट होती तो एन फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होता, पर सब डिस्टिंक्ट नहीं है, उनमें से पी एक जैसी हैं, तो पी एक जैसी हैं तो पी फैक्टोरियल, एक जैसी क्यू अलग एक जैसी हैं तो क्यू फैक्टोरियल, आर तीसरी एक जैसी थी, दस में से तीन एक जैसी, वाइट तीन जो है मान लीजिए रेड थी, दो ब्लू कलर की थी आइडेंटिकल, तो उसके लिए आर फैक्टोरियल, और बाकी की दो डिस्टिंक्ट थी, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है, तो उन ग्रीन ब्लैक के लिए तो कुछ नहीं करना, तो जो आइडेंटिकल जितनी आइडेंटिकल चीजें हैं उतने के फैक्टोरियल से हम टोटल फैक्टोरियल में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा अरेंजमेंट आ जाता है, परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन है, ध्यान रखेंगे, दिस इज परम्यूटेशन। इसमें और ग्रुपिंग में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ग्रुपिंग थ्योरी में क्या था, ग्रुपिंग थ्योरी के अंदर तो हम डिस्टिंक्ट चीजों को कुछ ग्रुप्स में बांट रहे थे, यहां हम कुछ एन चीजें हैं जिनमें से कुछ आइडेंटिकल हैं, हम उनको एक लाइन में जमा रहे हैं, थे ना, तो टोटली डिफरेंट थिंग्स, फॉर्मूला दिखने में कुछ कुछ एक जैसा है पर बहुत अंतर है दोनों में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो आइडेंटिकल चीजों का अरेंजमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, जल्दी से समझ में आएगा, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज थ्री रेड फ्लावर्स, फोर येलो फ्लावर्स एंड फाइव वाइट फ्लावर्स इन अ रो, फ्लावर्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल, लो खत्म हो गया, एक जैसे कलर के फ्लावर्स आइडेंटिकल है उसने बोला, तो पांच चार नौ और तीन बारह, टोटल कितने हमारे पास फ्लावर्स हो गए, अगर सब डिस्टिंक्ट होते तो 12 फैक्टोरियल आता आंसर, पर हमें उसमें से तीन आइडेंटिकल एक जैसे, चार आइडेंटिकल अलग और पांच आइडेंटिकल अलग दे रखा है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इतने तरीके से होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट यू कैन कैलकुलेट विल बी 27720, which is written in option number C, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा, एक जस्ट क्वेश्चन कराया था समझने के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिकल चीजों के लिए आप चाहो तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से आपके समझने के लिए, मान लीजिए 21 वाइट बॉल्स हैं और 19 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना, और सेम कलर की बॉल्स आइडेंटिकल भी हैं, समझ में आ रहा है, नोट करते रहे ना, आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ सेम कलर, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ लाइन, और चलो जो अभी सिखाया था वो ही डाल देता हूं, इन अ लाइन इफ ऑल ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड, ठीक है, समझ में आ गया, 19 ब्लैक बॉल्स सेपरेट होनी चाहिए, सबसे पहले जैसी ये चीज आती है दिमाग में क्या आता है, सर ने सेपरेटेड के लिए क्या बताया था, गैप मेथड, तो हम पहले 19 ब्लैक बॉल को हटा के पटक देते हैं, बस अब फर्क ये है कि वो जो 21 व्हाइट बॉल हैं और 19 ब्लैक बॉल हैं आइडेंटिकल हैं, हम पहले वो 21 व्हाइट बॉल्स को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, तो एक लाइन में 21 व्हाइट बॉल्स जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, उनको अरेंज करने का कितना तरीका है, सही सोचा आपने, एक ही तरीका यार, एक जैसी है बस रख दो, हो गया काम खत्म, अब हमें उन 19 ब्लैक बॉल्स को रखना है, वो सेपरेटेड होनी चाहिए, तो मैं उनको गैप्स में रखूंगा, क्रिएटेड इन बिटवीन दोज व्हाइट बॉल्स, तो इन बिटवीन 21 व्हाइट बॉल्स 22 गैप्स विल बी देयर, आई विल, गैप्स अलग हैं, गैप्स सब अलग हैं, वो पोजीशंस हैं व्हाइट बॉल्स के बीच में, अलग अलग फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो पोजीशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट, तो आउट ऑफ 22 आई नीड 19 पोजीशंस, एंड इन दोज 19 पोजीशंस आई कैन अरेंज द ब्लैक बॉल्स इन ओनली वन वे, because black balls are also identical, position select करने के बाद balls को रखना एक ही way है, correct है, तो that way you can also understand, जो मैंने अभी permutation of alike objects समझाया, अब हम आते हैं इस question के through, alike objects का selection कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास सिर्फ एक box में 5 identical white balls हैं, आपके सामने मैंने एक box रखा, उसमें सिर्फ 5 व्हाइट बॉल्स हैं, आइडेंटिकल हैं, आपसे मैं बोलूं उसमें से एक बॉल निकालो, आपको बता दिया गया है कि 5 बॉल्स हैं आइडेंटिकल हैं व्हाइट बॉल्स, यू हैव टू पिक वन बॉल, तो हाउ मेनी चॉइसेस आई हैव ओनली वन चॉइस, आई विल पुट अ हैंड इन दैट बॉक्स एंड आई विल पिक अप वन बॉल, इट डजंट मैटर
कौन सी बॉल आती है, कोई भी बॉल आएगी बेटा, कोई भी बॉल आएगी, हमें पता है आइडेंटिकल है, वाइट बॉल आ जाएगी. इफ आई वॉन्ट टू पिक टू बॉल्स, अगेन आई हैव वन चॉइस, आई विल पुट माई हैंड इन द बॉक्स एंड आई विल पिक अप टू बॉल्स. अगेन आई डोंट हैव एनी मदर चॉइसेस कि मैं ये वाली लूँ कि ये वाली लूँ कि ये वाली बॉल लूँ. तीन लेनी है तो भी एक चॉइस, चार लेनी है तो भी एक चॉइस, पांच लेनी है तो भी एक चॉइस. हाँ, अगर पांच आइडेंटिकल वाइट और पांच आइडेंटिकल रेड हैं तब चॉइस करने के कैसे होंगे मेरे पास, वो हमें समझना है, वो हम इससे समझ रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ फोर लेटर्ड वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन. तो जब भी ऐसी चीजें आए जिसमें अलाइक चीजें होती, अगर ये सारे अलग होते तो 11 में से 4 को सेलेक्ट करना होता तो 11C4 से डायरेक्ट सेलेक्ट करता, 4 फैक्टोरियल से जमा लेता. पर अब यहाँ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले अलाइक लेटर्स काउंट कर लेते हैं. जैसे हमें ए 2 दिख रहे हैं, तो एक बॉक्स है ए का, उसमें 2 ए है, ठीक है, और ई ए की बार है, जो ज़्यादा बार है ना वो मैं देख लेता हूँ, आई 2 बार है, आई का एक बॉक्स है, ठीक है, आई कितनी बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, मतलब उस बॉक्स में आई 2 है ना, एक बॉक्स है जिसमें 2 ए पढ़े हैं, एक बॉक्स है जिसमें आई 2 बार है, और उसके अलावा एक बॉक्स है एन, वो भी एन 2 टाइम्स है, उसके अलावा ई जो है एक बॉक्स में एक ही बार है, एक्स भी एक ही बार है, एम एक बार है, करेक्ट, और ओ नहीं आया अभी तक, ओ एक बार है, एम एक बार, एम हो गया, टी एक बार है. लेट अस काउंट 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 लेटर्स बोला है तो हमने लिख लिया. ये ध्यान रखना है, गड़बड़ ना हो जाए भाई इसमें, अगर क्योंकि हम जरा सा भी एक आध छूट गया या ज़्यादा कर लिया तो पूरा क्वेश्चन की मेहनत खत्म हो जाएगी. अब हम यहाँ केसेस बनाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना, हम उन केसेस के हिसाब से फिर सिलेक्शन करेंगे और फिर उन सिलेक्शन के हिसाब से हम अरेंजमेंट करेंगे. ठीक है, चलिए, तो केसेस क्या होंगे, देखिए हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर. तो ये जो ऑप्शंस है हमें इनमें से 4 लेटर उठाने. हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला, इस बॉक्स के अंदर से, पहले वाले बॉक्स के अंदर से आप एक ए निकालो या 2 ए निकालो, आपके पास एक ही चॉइस है. तो बेटा ए को सेलेक्ट करने की चॉइस नहीं है, हमें ये बॉक्सेस को सेलेक्ट करने की चॉइस है. ये बॉक्सेस अलग हैं, इन बॉक्सेस के अंदर लेटर्स जो है वो अलग अलग, तो हम बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर की चीजें को सेलेक्ट करने के एक ही ऑप्शन है, उसको हम नहीं सोचेंगे. तो हमें अगर 4 लेटर का वर्ड बनाना है, अब आप ये सोचिए क्या वो 4 लेटर का वर्ड ऐसा हो सकता है कि चारों आइडेंटिकल हो, नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई बॉक्स ही नहीं है जिसमें 4 आइडेंटिकल लेटर्स हो. मैक्सिमम आइडेंटिकल कितने हो सकते हैं, 2. तो हमारा पहला केस आएगा 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक, समझ में आ रहा है, 2 ए और 2 आई, अगर मैं 2 ए और 2 आई आ जाएंगे तो 4 लेटर का वर्ड बना पाऊंगा ना. तो 2 अलाइक और 2 अदर अलाइक को सेलेक्ट करने के लिए, तो बेसिकली 2 अलाइक मतलब इन तीनों में से कोई एक डब्बा, और 2 अदर अलाइक मतलब कोई दूसरा डब्बा. तो इन तीनों यहां से तो है चॉइसेस ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो जो है ई एक ही बार बैठा हुआ था. ठीक है, तो हमें टोटल कितने बॉक्सेस की जरूरत है, 2 बॉक्सेस की, 2 अलाइक और 2 अदर अलाइक के लिए 2 बॉक्सेस की जरूरत है, और अवेलेबल कितने हैं टोटल, 3. तो मैं सिलेक्शन कितने तरीके से करूंगा, 3C2 तरीके से, मैं कोई से भी 2 बॉक्स सेलेक्ट करूंगा. मान लीजिए दोनों बॉक्स मैंने ले ली, उन बॉक्स में से अब आपने जितने लेटर चाहिए वो आपका काम है, वो यहाँ जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप करते जाओ, क्योंकि उनको करने का एक एक ही तरीका आएगा. अगला केस क्या बनेगा, 2 तो हम अलाइक लेटर लेते हैं और 2 डिफरेंट लेटर लेते हैं. मान लीजिए 2 ए ले लिया, एक आई ले लिया, एक ई ले लिया, हो गया ना, तो 2 ए एक आई एक ई, या 2 ए एक ई एक एक्स, तो हमें 2 अलाइक चाहिए. तो 2 अलाइक का मतलब हमें इन तीनों में से एक ही बॉक्स चाहिए, तो 3C1 से तो हम पहले वो एक बॉक्स ले लेंगे. जैसे हमने एक बॉक्स लिया, मान लीजिए हमने ए वाला बॉक्स अलग निकाल लिया कि हम इसमें से 2 लेटर चाहते हैं, उसके बाद हम 2 डिस्टिंक्ट चीज़ें चाहते हैं, उन 2 डिस्टिंक्ट चीज़ों को हम बच्चे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या 7 बॉक्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो 7 में से कितने बॉक्सेस की जरूरत है हमें, 2, क्योंकि हम 2 डिस्टिंक्ट चीज़ें चाहते हैं तो हमें 2 बॉक्स चाहिए होंगे. 7C2 से हमने वो सेलेक्ट कर लिया. तीसरा केस क्या बचता है, 2 अलाइक 2 डिफरेंट का खत्म हो गया. अच्छा, 1 अलाइक कुछ नहीं होता ना, 1 अलाइक और 3 डिस्टिंक्ट, तो अब जो बचा है बस वो बचा है ऑल 4 डिफरेंट, कि चारों के चारों लेटर्स डिस्टिंक्ट आ जाए.
तो चार डिस्टिंक्ट चीजों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट बॉक्सेस हमारे पास हैं। हम आठ में से चार बॉक्स अपने पास अगर ले लें तो बॉक्स चार अलग बॉक्स आ गए, उनमें से एक 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 लेटर हम ले लेंगे, वो लेने का एक एक ही तरीका होगा। तो ये इसमें मैक्सिमम तीन केस बन रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये केस हमने बना ली। 3C2 3 हो गया, 21 × 3 63 हो गया, और 8C4 कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट, 8 × 7 × 6 × 5 / 24 6 4 = 24 4 2 = 8 7 2 = 14 14 × 5 140। ठीक है, अब हमें इसका अरेंजमेंट भी करना है। तो तीन तरीके से तो सिलेक्शन हुआ था, और दो अलाइक और दो अदर अलाइक चीज़ों का अरेंजमेंट 4 × 2 / 2 तरीके से हो जाएगा। 63 तरीके से तो सिलेक्शन हुआ था, और दो अलाइक और दो डिस्टिंक्ट चार चीज़ों का अरेंजमेंट 4 × 4 / 2, क्योंकि जितने आइडेंटिकल हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। इनका सिलेक्शन 140 तरीके से हुआ था, चारों डिस्टिंक्ट हैं तो 4 × से अरेंज कर दूंगा। इनको जब मैं काउंट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ सेलेक्शन, व्हेन वी हैव टू डू द सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स वी विल ऑलवेज हैव टू मेक द केसेस। आइडेंटिकल चीज़ों के बॉक्सेस बना लो, तो जितनी चीज़ें हैं जितने डिफरेंट चीज़ें उनके बॉक्स बन जाएंगे, फिर उसमें से केस बना बना के सिलेक्शन करते चले जाइए। ठीक है, अरेंजमेंट करना है नहीं करना है वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें करना तो ठीक है, कई बार वो कहता है सेलेक्ट करके बताओ, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अरेंजमेंट करना है तो आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको मैं देख लेता हूँ, इफ़ यू कैलकुलेट दिस योर आंसर विल कम आउट टू बी 2454। ठीक है, आई हैव रिटन इट, यू कैन चेक 2454, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप ये प्रैक्टिस करिए, मैंने आपको जैसे बताया उसके हिसाब से करने की कोशिश करिए। द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 letters एट अ टाइम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेबस सच दैट 2 letters आर डिस्टिंक्ट एंड 2 letters आर अलाइक। कितने बन सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट तो करना ही है, चार लेने हैं, और इसमें ना केस भी फिक्स कर दिया, तो ये बढ़िया कर दिया, 2 letters आर डिस्टिंक्ट एंड 2 letters आर अलाइक। तो बेसिकली दो एक जैसी और दो अलग हमें सेलेक्ट करनी है। तो पहले हम डब्बे बना लेते हैं। एल का एक बॉक्स है करेक्ट, जिसमें 2 L पड़े हुए हैं। एस का भी एक बॉक्स है जिसमें 2 S हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक ए का बॉक्स है, ए एक ही बार है। एक बी का बॉक्स है, बी भी एक ही बार है। एक यू का बॉक्स है, यू भी एक ही बार है। 2, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ मिस हो गया आई थिंक। वाई रह गया, वाई का ये देखो, ये फायदा है ना क्रॉस चेक करने का, वाई बच गया, वाई भी एक ही बार है। अब हमें क्या करना है, क्या केस क्या है हमारा, 2 alike + 2 distinct, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, 2 letters are distinct and 2 letters are alike। तो 2 alike को सेलेक्ट करने के, 2 alike मतलब एक डब्बा चाहिए ना हमें, एक बॉक्स लेंगे तो 2 alike आ जाएंगे। दो ऑप्शन अवेलेबल थे, एल वाला और एस वाला, तो 2C1 से तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए L वाला सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन कट गया। अब हमें दो डिस्टिंक्ट चीज़ें चाहिए, तो बॉक्स बचे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दो डिस्टिंक्ट चाहिए तो हम 5 में से 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे 5C2 से। तो ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन हो गए, कितने हो गए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन, 10 × 20। और अब हमें इन्हें अरेंज भी करना है, तो 20 तरीके से तो सिलेक्शन हो सकता है, और अरेंज होगा 4 × 2 दैट इज 12 12 2 = 24 240 will be our answer, which is in C option. Clear है? तो ऐसा question जरूर, भाई देखो ये जो पिछला वाला था तो थोड़ा lengthy है, तो देखो ऐसा नहीं कह रहा नहीं आ सकता, आ तो सकता ही है, पर इसको इस form में और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम वो concept भी check कर लिए और इतना lengthy भी नहीं हुआ mains के हिसाब से जैसे questions होते हैं। ठीक है, पर हमें पूरा method आना चाहिए solve करने का। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस मे वाले कोर्स का, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ 6 digit numbers इन विच ओनली
एंड ऑल द फाइव डिजिट्स अपीयर. हमें पांच नंबर दिए हैं, इन पांच नंबर की मदद से छह डिजिट का नंबर बनाना है. ये पांचों नंबर तो आने ही चाहिए. अब देखो यार, प्लेसेस छह हैं, नंबर पांच ही हैं, ये पांचों आने ही चाहिए. तो छह में से पांच प्लेस तो यार त्याग लेंगे, एक प्लेस बचेगी, तो इसका मतलब इनमें से एक नंबर रिपीट होगा. यही ना मतलब हुआ, एनी वन नंबर आउट ऑफ दीज फाइव विल बी रिपीटेड. तो मैं क्या करता हूं, पहले कौन सा, वन भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, तो फाइव सी वन से पहले एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं. या तो वन आएगा, या थ्री आएगा, या फाइव आएगा, या सेवन आएगा, या नाइन आएगा. अब जब वो नंबर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल वन सेलेक्ट किया था, तो वन वन थ्री फाइव सेवन नाइन, टोटल छह नंबर हो गए. इन छह नंबरों को छह प्लेस पे अरेंज करना है. तो कितने तरीके होगा बेटा, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल. क्यों टू फैक्टोरियल, क्योंकि वो जो एक नंबर रिपीट किया वो दो बार आ रहा है ना, तो जो दो बार रिपीट हो रहा है हम उसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर ही देंगे. नाउ दिस वी कैन कैलकुलेट. वैसे आप देखो तो 5 बाय 2 इसी फॉर्म में लिखा है, 5 बाय 2 6 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है. सो सी ऑप्शन विल बिकम द राइट आंसर. क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गई बात. चलिए बहुत अच्छी बात है. नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग That can be formed from all the letters of the word letter. Letter word का यूज करते हैं, in which vowels never come together. Vowels कभी साथ नहीं आने चाहिए, साथ नहीं आने चाहिए. Gap method, we can use gap method. Vowels कौन कौन से इसमें, I think two vowels are there, E and E. तो हम पहले E और E को separate कर देते हैं. उसके अलावा L, T, T और R, चार हमारे letters बच रहे हैं. इन फोर लेटर्स को पहले हम अरेंज कर देते हैं लाइन में. तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल. समझ में आ रहा है, वाई टू फैक्टोरियल, बिकॉज टू टी आर आइडेंटिकल. नाउ इन बिटवीन दीज फोर लेटर्स हाउ मेनी गैप्स आर देयर, फाइव गैप्स. दो प्लेसेस रखनी है, दो लेटर्स हैं, तो आई विल सेलेक्ट टू प्लेसेस आउट ऑफ फाइव, और रखने का एक ही तरीका है बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. नाउ फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, दैट इज 12 इंटू 10, That is 120 total number of words with or without meaning can be formed. So numerical type में its answer will be 120. Clear है बेटा? जल्दी जल्दी से होने वाले questions हैं, है ना? इसी level पे mains में पूछे जाते हैं. ये past year वाले ही कुछ questions हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ. तो बिल्कुल tension नहीं लेनी, फटाफट solve करते जाना है. ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं हमारे next topic जो है circular permutation. अभी तक हम जो भी चीज़ें जमा रहे थे वो सब एक लाइन में, एक रो में अरेंज कर रहे थे, चाहे वो डिफरेंट थी या वो आइडेंटिकल थी. अब जो हम अरेंज कर रहे हैं वो अब एक सर्कुलर अरेंजमेंट में करेंगे. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम. अगर एन चीज़ें हैं, एन चीज़ों को एक सर्कल में अरेंज करना है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल नहीं होता, एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है. ये आपने याद रखना है. 10 डिस्टिंक्ट चीजों को एक सर्कुलर वे में अरेंज करना है तो 9 फैक्टोरियल आंसर आएगा. हाँ, अगर मैं सर्कल में, देखो सर्कल में रखने का मतलब पोजीशन नहीं है, रिलेटिव पोजीशंस चल रही हैं. अगर मैं सर्कल में 10 चेयर लगा दूं जिन पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब उन चेयर्स पर, तो 10 चेयर तो 10 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उन पे 10 लोगों को बिठाना है तो 10 फैक्टोरियल आएगा. थोड़ा सा फर्क है, एक सर्कुलर वे में घुमा रहे हैं. तो भाई अगर चार लोग खड़े थे, अब वो सर्कुलर वे में एज इट इज जैसे खड़े हैं वो घूम जाएं, तो उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम उसे आइडेंटिकल अरेंजमेंट मानते हैं कि वो अरेंज नहीं हुआ. चेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो चेयर्स पे नंबर लिखे वो अलग चीज है. तो एन चीजों का सर्कल में अरेंजमेंट एन माइनस वन फैक्टोरियल से होता है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और अगर जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं गारलैंड के, रिंग प्रॉब्लम्स, बीड प्रॉब्लम्स, रिंग प्रॉब्लम, रिंग में मोती लगा रहे हैं, गारलैंड फूल मालाएं बना रहे हैं, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे माला पहनाओ कि उसको घुमा के पहनाओ. तो क्लॉकवाइज जमाना और एंटी क्लॉकवाइज जमाने को हम सेम मानते हैं, दे आर एज्यूम्ड टू बी सेम, आर कंसिडर्ड सेम, देन हमारा आंसर एन माइनस वन फैक्टोरियल तो टोटल का आधा हो जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है. और अगर मान लो एन में से आर चीजें सेलेक्ट करनी है, तो NCR से सिलेक्ट तो कर ही लेंगे. अब हमें सर्कल में जमाना है, तो R माइनस वन फैक्टोरियल ही आएगा आंसर, NCR इंटू R माइनस वन फैक्टोरियल. और इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाएगा, तो अपॉन टू और मैं कर दूंगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ N थिंग्स
व्हेन पी आर अलाइक एंड रेस्ट डिफरेंट. अब जैसे अभी तक तो ये डिस्टिंक्ट का था, अब 10 चीज़ें हैं, 10 में से 5 फूल एक जैसे हैं, तो उनको हमें लाइन सॉरी सर्कल में जमाना है. तो 10 चीज़ों को सर्कल में जमाना है जिनमें 5 एक जैसे हैं और बाकी 5 सारे अलग हैं. तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, जितने आइडेंटिकल हैं उतने फैक्टोरियल से उतना डिवाइड करना ही है, जो हमने पहले लाइन में भी किया था. बस सर्कल में अरेंज कर रहे हैं तो 10 आंसर 10 फैक्टोरियल नहीं, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा. तो टेकन ऑल एट अ टाइम, है ना, और हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अरेंजमेंट को अलग मानते हुए कर रहे हैं, तो हमारा आंसर एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्योंकि पी आइडेंटिकल चीजें थी. वैसे ही कंसेप्ट है, सिर्फ बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, एन की जगह एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा रहा है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या आएगा. ये वाला क्वेश्चन तो एक जनरल नॉर्मल क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर का आएगा. अ न्यू फ्लैग इज टू बी डिजाइंड विद 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स. 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है ना, फ्लैग बनाना है यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स, कुछ या सारे कलर्स, येल्लो ग्रीन ब्लू रेड का इस्तेमाल करना है. कितने तरीके से कर सकते हैं कि कोई दो एडजेसेंट स्ट्रिप का सेम कलर ना हो, कोई भी दो एडजेसेंट स्ट्रिप्स का 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 6 स्ट्रिप्स हो गई. हमारे पास टोटल 4 कलर्स हैं, येलो ग्रीन ब्लू रेड. तो पहले को फिल करने के हमारे पास 4 ऑप्शन है. यू कैन पुट एनी वन ऑफ द 4 कलर्स, येलो ग्रीन ब्लू और रेड, 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स में से यहां भर दिया येलो कलर. अब अगले में एडजेसेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे. मान लो यहाँ येल्लो भरा था, तो यहाँ येल्लो को छोड़कर ग्रीन ब्लू रेड कोई भी मैं कलर भर सकता हूँ. मान लो मैंने यहाँ ग्रीन भरा, तो नेक्स्ट ट्रिप के लिए फिर 3 ऑप्शन होंगे, क्योंकि मैं ग्रीन को छोड़कर येल्लो ब्लू रेड कोई भी भर सकता हूँ. तो अब हर एडजेसेंट ट्रिप के लिए हाउ मेनी चॉइसेस, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हो गया बेसिकली क्वेश्चन. 4 3 12 and 3 4 81, तो 12 × 81 विल बी आर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो जल्दी से अब हम सर्कुलर वाले क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 10 फ्लावर्स हैं सारे डिफरेंट कलर्स के, हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी मेड. मैंने आपको बताया गार्लैंड प्रॉब्लम्स, बीड होती है ना मोती, रिंग की प्रॉब्लम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम मानना है, नहीं लिखा होगा मानना है. ठीक है, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड कंसिस्टिंग ऑफ 6 फ्लावर्स, 10 फ्लावर्स में से 6 फ्लावर्स का यूज करके कितने गार्लैंड्स बनाए जा सकते हैं. तो पहले 10C6 से 6 फ्लावर्स सेलेक्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट थे. अब उन 6 फ्लावर्स से एक सर्कुलर वे में गार्लैंड बनाना है, तो उनको सर्कल में कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल. एंड बिकॉज गार्लैंड इज मेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है, तो टोटल का अपॉन 2 हमारा आंसर होगा. कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, 10C6 × 5 × 2 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर ए, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. इतना जल्दी ही होगा अगर हम थियोरिटिकली समझ जाते हैं कंसेप्ट को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, द नंबर ऑफ वेज, बढ़िया है, ध्यान से समझना इसको भी. 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ सर्कुलर अल्टरनेटली. बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेटली, मतलब एक बॉय एक गर्ल ऐसे बिठाना है. इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल, पर्टिकुलर नाम ले दिया मतलब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें पता है B1 and G1 आर नेवर एडजेसेंट टू एनी अदर इन एनी अरेंजमेंट. किसी भी अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर बॉय गर्ल कभी साथ नहीं होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम उन्हें अल्टरनेटली बिठा रहे. तो मैं इसको करने वाला हूं टोटल अरेंजमेंट माइनस व्हेन B1 G1 आर टुगेदर. ठीक है, अच्छा, तो टोटल अरेंजमेंट, एक सर्कल में हमें 8 बॉय और गर्ल को बिठाना है, 8 टोटल, 4 बॉय 4 गर्ल अल्टरनेट होने चाहिए. तो मान लो पहले मैं सर्कल में 4 बॉयज को बिठा देता हूं, B1 B2 B3 B4. तो 4 बॉयज को सर्कुलर वे में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल सर्कुलर वे में. अब गर्ल्स को बिठाने के लिए टोटल 4 गैप, ध्यान रखेंगे सर्कल में 4 लोग बैठे हैं तो 4 ही गैप, लाइन में एक ज्यादा होता था, सर्कल में जितने लोग होते हैं उतने ही होता है. तो गैप में बिठाना जरूरी, क्योंकि ऑल्टरनेटली बिठाना है. तो 4 पोजीशंस हो गई. अब 4 पोजीशन में सर्कल वे में कोई पोजीशन नहीं होती,
बैठने के बाद गैप्स में पोजीशंस हैं, तो चार पोजीशन में चार गर्ल्स को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके, समझ में आ रही बात? ये तो टोटल हमारा जो है, ओ सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, माई मिस्टेक. सो देर इज वन मोर बॉय B5 सिटिंग हेयर एंड देन देर विल बी वन मोर गैप. सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, करेक्ट? 5 बॉयज को पहले सर्कल में बिठाया 4 फैक्टोरियल से, फिर देर देर आर 5 पोजिशन, सो इट विल बिकम 5 फैक्टोरियल फॉर गर्ल्स माइनस वेन B1 G1 आर टुगेदर. तो जब B1 G1 टुगेदर हैं तो मैं पहले बचे हुए 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को अरेंज करता हूँ. तो B2 B3 B4, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेटली बिठाना है तो मैं करूँगा तो यही, तो इनको बिठाने का 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल. गर्ल्स को भी बिठा दिया, मान लीजिए G2 को यहाँ, G3 को यहाँ, G4 को यहाँ और G5 को यहाँ. तो बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट हो गए. नाउ आई हैव टू एंश्योर दैट आई ऑल्सो प्लेस B1 G1, बट दैट B1 G1 मस्ट बी टुगेदर. तो B1 G1 का एक बॉक्स बना हुआ है. अब मैं उस बॉक्स को कहीं गैप में रखना चाहता हूँ. तो इन 8 बच्चों के बीच में क्या 8 गैप्स होंगे? ठीक है ना, देर आर 8 गैप्स. तो मैं किसी एक गैप में बीच में उनको रखूंगा, तो इसके बाद इंटू मैं करूंगा 8C1. मान लीजिए ये गैप सेलेक्ट किया, तो इस गैप में मुझे बिठाना है. तो उस गैप में बिठाने का एक ही तरीका है कि पहले मुझे गर्ल वन को बिठाना है फिर बॉय वन को, क्योंकि वो ऑल्टरनेटली बैठने चाहिए. मान लीजिए ये गैप सेलेक्ट किया था, तो पहले B1 आएगा फिर G1 आएगी ताकि वो ऑल्टरनेटली रहे. तो करस्पॉन्डिंग टू एनी गैप आउट ऑफ दोज 8 जो मैंने सेलेक्ट किया, उस गैप में B1 G1 को बिठाने का एक ही तरीका है, तो × 1. ठीक है, नाउ वेन यू कैलकुलेट दिस यू कैन टेक, जैसे आप देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, तो आप कॉमन ले सकते हैं. 3 फैक्टोरियल 5 4 20 यहाँ बचा और यहाँ 8 बचा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 24 × 6 × 12. कैलकुलेट करेंगे, यू गेट 1728 एज योर आंसर. ठीक है, सो सर्कुलर वे में भी करते वैसे ही है लीनियर अरेंजमेंट जैसे, बस ध्यान रखना है गैप्स भी उतने ही होते हैं जितने लोग बैठे, और बैठाने के बाद अगर गैप सेलेक्ट करते हैं तो वो पोजीशंस हो गई, तो फिर अरेंज करने में सर्कुलर वे वाला फॉर्मूला नहीं लगता, नॉर्मल फॉर्मूला ही जो है अरेंजमेंट का लगता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं बेटा सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी हम इसे कहते हैं. ठीक है, तो अगर हमें n चीजें दे रखी हैं, n डिस्टिंक्ट है, पहला केस n डिस्टिंक्ट है, तो हमें उनमें से एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या n की n. तो कितने तरीके होंगे, NC1 NC2 NC3 NC4 up till NCn. NC0 नहीं है, कोई भी सिलेक्ट नहीं करने का ऑप्शन नहीं है. हमने बाइनोमियल में आपने पढ़ा सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, NC0 से लेकर NC1 तक का सम 2 की पावर n होता है. इसमें NC0 नहीं है, तो इट विल बी 2 raised to the power n minus 1. सिंपल, जब n डिस्टिंक्ट चीजें हैं तो नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n विल बी 2 raised to the power n minus 1. ठीक, अब इसी के अंदर n चीजों में से p एक जैसी हैं, q दूसरी एक जैसी हैं, r तीसरी एक जैसी हैं, तो कितने तरीके से सिलेक्शन हो सकता है एटलीस्ट एक चीज का. 3 बॉक्स हैं, पहले बॉक्स में 3 a हैं, दूसरे में 4 b हैं, तीसरे में 5 c हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम पहले बॉक्स में से या तो 1 a निकालेंगे या 2 a निकालेंगे या 3 a निकालेंगे. 1 a निकालने का भी एक ही तरीका है, आइडेंटिकल है. 2 a निकालने का भी एक ही तरीका है, 3 a निकालने का भी एक ही तरीका है, समझना. a 3 बार था, 1 a निकालूं 1 वे, या और 2 a निकालूं, इसलिए प्लस कर रहा हूं, और बोला तो 2 a निकालूं तो भी एक तरीका, 3 a निकालूं तो भी एक तरीका, और कुछ ना निकालूं तो उसका भी एक तरीका. ठीक है ना भाई, नहीं निकालने का भी तो सोचना पड़ा ना, आई हैव टू रिजेक्ट. क्यों नहीं निकालना, जरूरी थोड़ी इस बॉक्स में से कुछ निकालूं, दूसरे बॉक्स में से कुछ आ गया तो भी एटलीस्ट वन चीज आ जाएंगी, समझ में आ रहा है. तो हर आइडेंटिकल चीज में से 1 2 3 को सेलेक्ट करने का एक एक ही तरीका होता है. तो यहां पर मेरे पास 3 बॉक्स हैं, एक में p चीजें हैं आइडेंटिकल, दूसरे में q चीजें हैं, तीसरे में r चीजें. तो पहले वाले बॉक्स में से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन p+1, समझ में आया, 1 निकालना 2 निकालना सबके लिए 1 1 1, और नहीं करना तो भी 1, दूसरे के लिए q+1, तीसरे के लिए r+1. अब ये -1 क्या है, इसमें से भी कुछ नहीं लिया, इसमें से भी कुछ नहीं लिया, और इसमें से कुछ नहीं लिया, हमें एटलीस्ट वन तो लेना ही था. तो जब हमने कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं करी तो ये -1 उसका एक केस था जो सब्ट्रैक्ट करना पड़ा. तो डिस्टिंक्ट चीजें हैं या आइडेंटिकल चीजें हैं, उनके लिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे करने हैं, ये उन दोनों के फॉर्मूले बन जाते हैं. ठीक है,
ठीक है बेटा, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन, देर आर 12 फ्रूट्स इन अ बास्केट ऑफ विच 5 आर एप्पल्स, 4 आर मैंगोज एंड 3 आर बनानास। ठीक है, बास्केट के अंदर 5 एप्पल्स आइडेंटिकल, 4 मैंगोज एंड 3 बनानास पड़े हुए। फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर आइडेंटिकल, हाउ मैनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट। एटलीस्ट वन फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट लेना है। तो जो पहले बास्केट में 5 एप्पल्स हैं, उसमें से नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? 5+1, क्योंकि आइडेंटिकल था। या तो एक एप्पल लूँ, या दो लूँ, या तीन लूँ, या चार लूँ, या पाँच लूँ, या ना लूँ, तो 1+1+1+1+1+1 फॉर नॉट सेलेक्टिंग एनीथिंग। दूसरे वाले बास्केट में से 4+1, तीसरी वाली बास्केट में से 3+1, एंड फाइनली -1 फॉर वॉट? इफ आई हैवंट सेलेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द बास्केट्स। एटलीस्ट वन लेना ही था, तो दिस बिकम्स 6 × 5 × 4 − 1। 5 × 4 = 20, 120 − 1 = 119, डी ऑप्शन। क्लियर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अर्न कंटेन्स, व्हाट एन अर्न कंटेन्स? 5 रेड मार्बल्स, 4 ब्लैक मार्बल्स एंड 3 व्हाइट मार्बल्स, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन सो दैट एट द मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। एट द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उनमें से 3 रेड होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है बेटा? हमारे पास 0 रेड, 4+4 अदर, है ना, 4 डिस्टिंक्ट दूसरे वाले कोई भी, प्लस या फिर 1 रेड 3 डिस्टिंक्ट, प्लस 2 रेड 2 डिस्टिंक्ट, प्लस 3 रेड 1 डिस्टिंक्ट, यही मतलब हुआ। अब मैं, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है मेंशन, मैं डिस्टिंक्ट मान लेता हूँ मार्बल्स को, एंड देन आई विल प्रोसीड। तो 5 रेड में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, और 4 ब्लैक मार्बल्स एंड 3, तो टोटल 4 और 3 मिला के 7, ब्लैक और व्हाइट में से कौन से आ रहे हैं उसे मतलब नहीं है, आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 7C4 प्लस 1 रेड, 5C1 से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, और 3 डिस्टिंक्ट तो 7C3, 2 रेड 5C2 और 2 डिस्टिंक्ट तो 7C2, प्लस 3 रेड 5C3 और 1 डिस्टिंक्ट तो 7C1। क्लियर, 7C4 35 प्लस 7C3 35, 5 × 35 प्लस 10 × 21 प्लस 10 × 7, ठीक है। तो 5 × 5 = 15 and 2 = 17 प्लस 2 = 10 प्लस 70। क्लियर, नाउ यू कैन ऐड ऑल द वैल्यूज एंड यू कैन गेट योर आंसर। Your answer will come out to be 490, which is written in option number B. ठीक है बेटे, now we come to multinomial theorem. Yeah, इसका जो ज्यादा फायदा, ये तो आपने binomial में अगर lecture देखा है, so you have would have seen that I have told you that the coefficient of x की power r in 1 minus x की power minus n is n plus r minus 1 cr. ठीक है, हम इसको जिस नाम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ये सब आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, है ना। दैट इज बेगर्स मेथड, यू कैन नोट इट डाउन, बेगर्स मेथड जो हम यूज करने वाले हैं कैसे। इसका मतलब है मल्टीनोमियल थ्योरम से ज्यादा बेटर जो है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कैसे यूज करेंगे, जो हमारे काम आएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक थिंग्स। अभी तक हमने डिस्टिंक्ट चीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था अमंग पर्संस, जब हमें डिस्टिंक्ट चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी तो हम ग्रुपिंग किया था ना, हमने ग्रुपिंग थ्योरी करी थी। अब अलाइक चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो क्या है, लेट से देर आर पी पर्संस, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप वो याद कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। पी पर्संस एंड देन देर आर लेट से एन आइडेंटिकल कॉइन्स। हमेशा ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको इससे रिलेट करके करेंगे, एन आइडेंटिकल कॉइन्स, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या है कि ना, कि ये एनसीपी वगैरह से नहीं हो सकता भाई, एनसीपी तो डिस्टिंक्ट चीजों के लिए हुआ करता था, ग्रुपिंग भी डिस्टिंक्ट चीजों के लिए होती थी, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूटिंग एन कॉइंस इफ ईच कैन रिसीव, इफ ईच कैन रिसीव नन वन और मोर, नन वन और मोर कॉइंस. क्या मतलब है कि हम किसी पर्सन को जीरो कॉइंस देंगे तो भी चलेगा, वन देंगे तो भी चलेगा, ज्यादा देंगे तो भी चलेगा, सारे एक के पास भी जा सकते हैं. उसका फॉर्मूला है एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन. क्या फॉर्मूला है उसका? एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन. ये जो लिखा हुआ है ये वही चीज है, तो मैं उसको आपको इस तरह से बता रहा हूँ, समझ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर हमें सब जनों को, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से देर आर थ्री पर्सन एक्स वाई जेड एंड वी हैव एट आइडेंटिकल कॉइन्स, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, आइडेंटिकल है. पर अब की बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच मस्ट रिसीव एटलीस्ट वन, ईच मस्ट रिसीव एटलीस्ट वन कॉइन. सबको कम से कम एक कॉइन देना ही देना है. तो बेटा अगर सबको कम से कम एक कॉइन देना है तो देखो, क्योंकि आइडेंटिकल कॉइन्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से तीन कॉइन्स निकाल लेते हैं और एक एक इनको दे देते हैं. भाई इससे पिछले वाले में क्या कंडीशन थी कि नहीं भी चले, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा काम, तो उसका तो ये फॉर्मूला आ गया था. पर अब क्वेश्चन में लिखा है कि हमें उनको कम से कम एक एक कॉइन तो देना ही है, तो हम पहले टोटल कॉइन्स में से, मान लीजिए तीन पर्सन से, तो तीन कॉइन निकाल के दे देते हैं. इसको करने का एक ही ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल कॉइन्स है, कोई से भी तीन निकालो और डिस्ट्रीब्यूट भी, कोई सा भी किसी को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक दे दिया. अब बचे हुए कितने कॉइन्स हैं? पांच, पांच कॉइन्स. तो जब भी कॉइन्स, जो भी कॉइन्स होंगे उनको एन मानते हैं, पर्सन को तीन मानते हैं. अब बेकर्स मेथड लगा दो. नाउ द रिमेनिंग कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द थ्री पर्सन, ईच कैन रिसीव नन वन और मोर. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 5 + 3 - 1 = 3 - 1. समझ में आ गई बात? तो दैट्स हाउ, सबको कम से कम दो दो देने होते तो छह कॉइन निकाल के दे देता, तो दो कॉइन बचते, तो उन दो कॉइन्स में ये वाला फॉर्मूला फिर मैं अप्लाई कर देता. दैट्स हाउ यू प्रोसीड इन सच क्वेश्चंस. ठीक है. सो यही थ्योरी है. अब लेट्स से इस पे बेस कुछ एप्लीकेशन पार्ट करना चाहें. मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 होना चाहिए, जहां एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं, होल नंबर्स. होल नंबर्स मतलब एक्स जीरो हो सकता है, वाई जीरो हो सकता है, तो जेड सिक्स हो जाएगा. तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया? तीन लोगों को छह कॉइन बांटने, ईच कैन रिसीव नन वन और मोर, जीरो जीरो जाएगा तो भी चलेगा, एक जाएगा तो भी चलेगा, ज्यादा दोगे तो भी चलेगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6. पर्सन कितने हो गए, जो डिस्टिंक्ट चीजें हैं, 3. तो फॉर्मूला विल बी एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन, दैट इज 8c2. 28 इसका सही आंसर आएगा, विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर ए. अच्छा, अगर यहाँ x, y, z belongs to n लिखा होता तो क्या करते, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ. अगर x, y, z n लिखा होता तो हम बेटा x plus y plus z is equals to 6 में से एक एक वैल्यू पहले इसको हम दे देते. तो ये निकाल के देने का एक ही तरीका है, तो ये इक्वेशन x plus y plus z equals to 3 में चेंज हो जाती और फिर हम बेगर्स मेथड लगाते, 3 + 3 - 1 = 3 - 1, तो 5c2 या 10 आंसर आता. बस इतना सा फर्क है. और ये फॉर्मूले से अगर आपने जो मैंने बताया कंसेप्ट सीख लिया तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस खटाखट सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स हूज सम ऑफ डिजिट्स इज 7. तीन डिजिट का नंबर है x, y, z, ठीक है ना, whose sum of digits is 10. इनके डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए. बस इस बात का ध्यान रखना है, x is greater than equals to 1 क्योंकि तीन डिजिट का नंबर है, y is greater than equals to 0, z is greater than equals to 0. तो हम पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू इधर से निकालकर x को दे देते हैं क्योंकि x कम से कम 1 होना ही चाहिए. तो क्या ये हमारी इक्वेशन x plus y plus z is equals to 9 में ब्रेक हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. अब जैसी ही हमारी इक्वेशन x plus y plus z equals to 9 में ब्रेक हुई, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स क्या करना है हमें, 10 करना है. ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो ही गया. अब इनका सम जो है वो हमें 9 जो है उसके बराबर करना था. तो इसमें
बेगर्स मेथड अगर हमें लगा दूं तो 9 + 3 - 1 C3 - 1, ठीक है, तो कितना हो गया ये 11C2 हो गया, 11C2। अब इसमें एक दिक्कत कब आएगी ये सोचो, एक दिक्कत तब आएगी जब ये 9 की 9 चीजें x में चली गई। अगर ये 9 की 9 चीजें x में चली गई, क्योंकि x को हम 1 तो दे ही चुके थे, भाई हम x को पूरा 10 तो नहीं ना दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। y को 9 दे सकते थे, इसका मतलब 190 ऐसा नंबर बन सकता था, z को 9 दे सकते थे, बट x को 9 नहीं दे सकते। तो एक केस इसमें ऐसा आएगा जब 9 अगर पूरा पूरा x में चला गया तो दैट मींस एक तरीके से हमने x को 10 दे दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस आई विल सब्ट्रैक्ट दैट वन केस व्हेन द होल 9 गोज इन x, ये हमें ध्यान रखना है। तो 11C2 कितना हो गया बेटा, 55, 11 5 = 55 - 1, सो आवर फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 54, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, लास्ट का एक केस जो है थोड़ा सा ध्यान से सोचना होता है, बट दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बैगर्स मेथड या मल्टीनोमियल थ्योरम ओनली, ठीक। अच्छा नेक्स्ट ये थ्योरी है, इस थ्योरी को भी आपने ध्यान रखना है, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के रूप में फैक्टर्स बना सकते हैं इस टाइप से, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, ऐसे कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने हैं इंक्लूडिंग 1 and n, ठीक है ना, तो दीज आर 1 and n आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। तो हमें अगर किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं तो आपने उस नंबर का लिख लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस रूप में, है ना। और तो उसका फॉर्मूला होता है पी की पावर, जैसे 2 की पावर था, 3 की पावर था, तो नीचे तो सारे प्राइम नंबर्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं उसको +1 + 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं, a+1 × b+1 × c+1 and so on। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, एंड 1 and n आर नॉट प्रॉपर डिवाइजर्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो हम टोटल इस फॉर्मूले में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 और नंबर इटसेल्फ के लिए, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर हमें उन सब डिवाइजर्स का सम कैलकुलेट करना है तो वो होता है पी की पावर 0 से लेकर पी की पावर a तक का सम इंटू क्यू की पावर 0 से क्यू की पावर b, r⁻⁰ से r⁻⁴ तक का, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ दीज डिवाइजर्स, ठीक है। उसके अलावा एक ये चीज़ भी होती है कि ये जो नंबर n है, इस n को वी कैन रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, कितने तरीके से भाई, जैसे कोई नंबर 36 है, हम उसे 1 × 36 भी लिख सकते हैं, हम उसे 2 × 18 भी लिख सकते हैं, हम उसे 3 × 12 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे कितने तरीके से हम किसी नंबर के 2 फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ½ × a+1, ये यही है, ए बी सी यही चीज़ें, ½ of a+1 × b+1 × c+1। अगर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मैंने जो अभी एग्जांपल बताया 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए हमारा आंसर इस फॉर्मूले से आएगा a+1 × b+1 × c+1 + 1 × 1/2, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला है, याद रखना है, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके 2 फैक्टर्स के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस वाले फॉर्मूले से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई ऐसे खास चीज नहीं है। तो लेट्स से क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1350 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें बताने हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा तो वन और नंबर को इंक्लूड करना है। तो हम 1350 का पहले क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 13 5 × 10 कर लेता हूँ, 5 बाहर निकालता हूँ, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35 × 2 × 5, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1 × 3 की पावर 3 × 5² बन गया। तो इसे चेक कर लेते हैं, 5 ए कॉमन निकाला, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 2 × 5, तो 5 2 बार 2 1 बार 3 3 बार, ठीक है, ये नंबर n हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे बेटा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, 1 + 1 × 3 + 1 × 2 + 1, That is 2 × 4 × 3, 4 × 8 = 24, so 24 वैसे तो एक ही ऑप्शन में लिखा है, पर अपन मान लेते हैं कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आया
ज्यादा ऑप्शन में होता तो एक चीज और पूछिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो अभी हमने ये फॉर्मूला करा था, ये देखो याद है, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, इसमें 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। दिस विल गिव यू द सम ऑफ डिवाइजर्स। और अपन मान लेते हैं कैलकुलेट करके, यही आएगा क्योंकि 24 इज रिटन इन ओनली वन ऑप्शन, नहीं होता तो अपन कैलकुलेट कर ले सकते थे इसको, नो इश्यूज। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यू लर्न द फॉर्मूलाज एंड यू प्रोसीड दैट, यू अप्लाई दैट इन योर क्वेश्चंस। ठीक, ओके, लेट देयर बी एन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं विच ईच टाइप कंटेनिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स। मतलब यार ऐसा मान लो एन बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं, एक में रेड बॉल, एक में ब्लू बॉल, एक में ग्रीन बॉल, एक में वाइट बॉल, और वो भी कितनी सारी, खूब सारी, आर आर, एक बॉक्स में आर वाइट बॉल, एक बॉक्स में आर ब्लू बॉल, ऐसे करके बॉक्सेस बना रखे हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, हमें आर प्लेसेस भरनी है, तो पहली प्लेस पे फिलअप करने के कितनी चॉइसेस हैं भाई, पहले वाले बॉक्स में से बॉल रख दो, दूसरी प्लेस के लिए वही एन में से किसी भी एक बॉक्स में से बॉल रख दो। तो हर प्लेस पर रखने के हमारे पास एन चॉइसेस हैं भाई, क्योंकि हमने जब पहले बॉक्स में से बॉल निकाली तो खत्म थोड़ी हुई, उसमें बहुत सारी बॉल्स पड़ी थी, तो एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उसको रखने के, एन रेज टू द पावर आर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वी हैव एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड। ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जिनमें कम से कम एक डिजिट रिपीट होगी। तो जब एटलीस्ट वर्ड आता है, बेटर होता है कि टोटल नंबर्स निकाल लें, माइनस कर दें नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है ना, हम उसमें से चाहते हैं कि रिपीट हो, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, टोटल कितनी प्लेसेस भरनी है अपन को, 3-digit का नंबर है तो 3 places। नंबर्स कितने हमारे पास, टोटल 6 नंबर है, तो पहली प्लेस को फिलअप करने के हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 5, 0 नहीं आ सकता, इसके लिए 6 और इसके लिए 6। ठीक है, क्या तो 5 6 30 30 into 6 180। माइनस, नाउ आई विल बी फॉर्मिंग 3-digit नंबर जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए 5 क्योंकि 0 नहीं आ सकता, दूसरी प्लेस के लिए फिर 5 क्योंकि जो नंबर रखा वो वापस नहीं आ सकता पर 0 खुल गया, तो 5 into 5 into 4, 5 5 25 25 into 4 is 100। So our total answer final will become 80, which is written in option number B. ठीक है, ऐसी miscellaneous question था बीच में एक। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा हमारे last part पे, which is called de-arrangement. De-arrangement means arrangement को खोल के देखना, अलग से separate करना कि de-arrange करना कि वो arrangement में क्या क्या cases हुए थे। ठीक है, तो अब याद कैसे रखना है, लिखा हुआ एक लेटर और एनवलप के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि उसमें हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। सो लेट से देर आर एन लेटर्स, जिनको एन डिफरेंट लेटर्स हैं, हमें उनको एन एनवलप्स में रखना है। ठीक है, समझ में आ रही बात, एन लेटर्स को एन उनके डेजिग्नेटेड एनवलप्स हैं। ठीक है, तो रखने के कितने तरीके हैं, एन फैक्टोरियल तरीके, तो एन फैक्टोरियल है, उन एन फैक्टोरियल में क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता था ना कि भाई मान लो 4 letter हैं, 4 envelope हैं, 4 factorials हमने अरेंज करके रख दिए, हो सकता है सारे सही चले जाएं, ऐसा हो सकता है सारे लेटर सही envelopes में गए, या ऐसा हो सकता है सारे गलत चले जाएं, या हो सकता है 2 सही हों 2 गलत हों, है ना, ऐसा हो सकता है 1 सही हो 3 गलत हो, क्या ऐसा हो सकता है 3 सही 1 गलत। सोच के देखो, 3 सही हैं तो 4th तो सही हो गई, है ना, वो केस कभी नहीं होता। 5 चीज़ें हैं तो 4 सही 1 गलत नहीं होता कभी भी, है ना। तो डी अरेंजमेंट में हम क्या कहते हैं, नो लेटर गोज इन द करेक्ट एनवेलप, सारे गलत गए, अरेंज करना तो हमें आता है पर सारे गलत जाएं, उसका ये फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल इनटू 1 - 1/1 एंड सो ऑन। ठीक है ना, 1 - 1/1 फैक्टोरियल कुछ नहीं है, कट जाता है, तो फॉर्मूला बेसिकली यहीं से शुरू होता है, 1/2 फैक्टोरियल - 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूला याद रखो, या क्वेश्चन करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज याद कर लो, मोर और लेस मतलब 99% श्योर है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप कर पाओगे। ठीक है, दो चीजों का डी अरेंजमेंट जो मैं टेबल बना रहा हूँ याद कर लेना। ठीक है ना, डी अरेंजमेंट मतलब 2 letters and 2 envelopes,
कोई लेटर अपने एनवेलप में नहीं गया। कितने तरीके से होगा? एक तरीके से, ठीक है ना। लेटर्स कितने? दो। तो नो लेटर गोज इन इट्स एनवेलप, एक तरीके से डीअरेंजमेंट होगा। तीन चीजों का डीअरेंजमेंट दो तरीके से होता है। चार चीजों का डीअरेंजमेंट नौ तरीकों से होता है, ठीक है ना। तो बस ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतने भी अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है बेटा। चार चीजों का, चार लेटर और कोई लेटर अपने एनवेलप में नहीं गया, तो उसका आंसर क्या आता है? 9 से उसका आंसर आता है, ठीक है। पांच चीजों का डीअरेंजमेंट होता है 44 तरीकों से, और छह चीजों का डीअरेंजमेंट होता है 265 तरीकों से, ठीक है। ये लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स, और ये नंबर ऑफ वेज इन विच नो लेटर गोज इन इट्स। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें रखकर ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने बता दी। तो इतनी अगर आपने वैल्यूज याद कर ली ना, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता चीजों का डीअरेंजमेंट आएगा, ठीक है। आता है तो फिर कुछ नहीं, फॉर्मूले में रख के कर लेना। ये याद कर लोगे तो टाइम बच जाएगा बस अपना, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस के और क्या तरीके हो सकते हैं पूछने के? सिर्फ लेटर एनवेलप तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है जैसे चार बॉक्स हैं, चार कलर के, और उसी कलर की चार बॉल्स हैं। उन बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है, पर कोई कलर की बॉल अपने सेम कलर की बॉक्स में ना जाए, सेम डीअरेंजमेंट। तो ऐसे करके काफी अलग अलग तरीके से एक ही चीज को पूछ सकते हैं। बस हमें वो क्लिक करना चाहिए कि वो किस सेक्शन का जो है पीएनसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ के। सो लेट्स से एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इसमें फोर स्लिप ऑफ पेपर्स विद द नंबर्स 1, 2, 3, 4 रिटन ऑन देम आर पुट इन अ बॉक्स। दे आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट एट रैंडम, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन हैपन दैट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ एटलीस्ट वन स्लिप कंसाइड विद इट्स ओन नंबर, ठीक है। एटलीस्ट वन स्लिप कंसाइड विद इट्स ओन नंबर। तो बेटा देखो, बेसिकली क्या है, चार बॉक्स 1, 2, 3, 4, चार स्लिप्स 1, 2, 3, 4, चार स्लिप्स को चार बॉक्सेस में रख दिया। टोटल तरीके कितने थे? 24। अब उन टोटल में से हमें वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि एटलीस्ट एक स्लिप अपने खुद के उसमें गई थी। ये वो चाह रहा है कि वन वाली वन में जाए, कम से कम एक, 2, 3, 4 ना गई हो। तो टोटल केसेस में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं कि कोई स्लिप अपने खुद के बॉक्स में नहीं गई थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट हम ऐसे करते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल वेज माइनस व्हेन नो स्लिप इज इन करेक्ट प्लेस। सो बेसिकली चार चीजों का डीअरेंजमेंट हो गया, या चार चीजें और चारों सही नहीं है। तो टोटल तरीके तो 24 होंगे, 4 factorial जिसे हम कहते हैं, ठीक है। माइनस चार चीजों का डीअरेंजमेंट मैंने अभी बताया था आपको कितने तरीके से हो सकता है, 9 तरीके से। तो उसमें से माइनस वो 9 कर देते हैं। तो ये जो बताया ना मैंने, ये कैलकुलेशन का आपका टाइम बच जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15, जो कि लिखा है किसमें? बी ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से समझना है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपका पीएनसी का अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। अच्छे से क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस दैट विल कम इन योर एग्जाम, ओके। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जा करके जो वीडियोज़ आपको दिए गए, उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है इसमें अपने वीडियोज़ में। तो आप जा करके उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है, उससे मोशन की टीम बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।